सभी इंस्पेक्टर पवार फ्रॉम काशीमीरा पुलिस स्टेशन। मैं एसपी बात कर रहा हूँ। सर सर सर, वज्रेश्वरी में कोई मेला है, वहाँ पर क्या चल रहा है? कोई मेनका नाच रही है? सर मैं भी जाने की सोच रहा हूँ सर। वाह, मेनका का डांस कहीं भी हो, लार टपका कर चले जाते सर, हो। नहीं सर, नहीं सर, मैं कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। दो कांस्टेबल को स्पॉट पर भेजो फौरन। डेफिनेटली सर। समझ गए कि नहीं? ओके सर। आ तो फोन रखो। भास्कर कम फास्ट। ऐसे हिलते डुलते आ रहे, देखो सर। तुम फौरन वज्रेश्वरी के लिए निकलो, सत्या वहीं पर है। साहब ने फोन किया था, उसे बता मेले में कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, देखभाल करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, समझा? अरे क्या है सर, ड्यूटी ज्वाइन किए 4 दिन हुए और आपने इतना बड़ा काम दे दिया है, मैं आपका भरोसा तोड़ूंगा नहीं सर। तुमको उधर कोई खिला उखाड़ना नहीं है, सत्या जो बोलता है बस उतना ही करने का है, समझा? क्या निकल, छांट पट्टी करना है। अरे नीचे उतरना यार, तेरे गुर्दे क्यों चल रहे, वेट करना। अरे रे रे। सत्या, अरे डिस्टर्ब मत कर, कॉन्सेंट्रेशन टूट रहा है मेरा। ये हे, ये देख मिल गया। अरे आना। आ रहा आ रहा। बोल क्या हुआ? एसपी साहब ने फोन किया था। ए मेनका। अरे साहब, कितने दिनों बाद देखे आप तो। तू अभी तक बदली नहीं है? झूठ मत बोलो साहब, आपने कभी मुझे देखा ही नहीं। क्या बात कर रही है? मैं तेरा डांस देखने के लिए भीख मांग कर यहाँ की ड्यूटी लगवाई है? अच्छा, मेला देखने के लिए आए होंगे, झूठ मत बोलो। अरे क्या नखरे, क्या चलते है? एसपी साहब ने फोन किया। अबे हट रास्ते से। 10 का 20 होएगा, बोले जा रहा हूँ तू सुनता ही नहीं है। 40 40 डबल डबल करने का, 10 का 20 20 का 40 40। पुलिस वाला खेल रहा है, अभी तो राजा आएगा। डालो आया, नहीं नहीं किस्मत आजमाओ अपना अपना। 20 का 40 40 का 80 80 का 160। साहब आप यहाँ पर है, वहाँ मंदिर के सामने झगड़ा हो रहा है, दोनों ग्रुप वाले एक दूसरे का सर फोड़ रहे हैं, ये देखिए साहब। यही तो कह रहा था एसपी साहब ने, इसीलिए फोन किया था। चलिए। अरे डर मत भास्कर, मेले में ऐसे झगड़े और ऐसे टकले तो फूटते ही रहते हैं। ये ले, मेरा 20 लगा। ये ड्यूटी निभा रहा है। अरे पुलिस को इसलिए भेजा है ताकि कोई राड़ा ना करे, हमारे होने के बावजूद भी लोग राड़ा कर रहे हैं, इसका मतलब हमारी कोई इज्जत ही नहीं है। डबल करो, सिंगल काम डबल। बोनी हो गई। गलती है ये कि मैं आपके पास कंप्लेंट लेके आया, जी करता है जूता निकालकर सर पे मार लूं। हां तो जाना, जाके खुद को मार जा। अरे वापस से डबल हो गया क्या? अभी तो ठीक है, कल एसपी साहब को क्या बोलेंगे? अरे कल देख लेंगे ना। 7 लोग हॉस्पिटल में एडमिट हुए, 2 लोगों का सर भी फूटा है, तुम लोगों ने पहले रोका क्यों नहीं? रोकने की कोशिश की सर, पर उन्होंने कहा हमारे गांव का मामला बीच में मत आओ, तो फिर हम लोग क्या करते सर? ए भास्कर, तुम भी तो साथ में थे ना, बताओ ना चुपचाप क्यों खड़े हो, बोलो। हाँ सर, सेम टू सेम हुआ था। लोग तो कुछ भी बोलेंगे, लेकिन तुम्हारी अकल कहाँ गई थी? बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, आपका भरोसा भर करार रखूंगा, कहाँ गए वो सब? स्टूपिड फेलो, रायगढ़ वाले ऐसे ही है सत्य, कुछ ना कुछ लफड़ा करते ही रहते। चल छोड़, मैं एसपी से बात करके संभाल लेता हूँ। थैंक यू सर। अरे हाथ में क्या लगा है? हंस गया बेटा। सर वो मेले में हम लोग। तू कुछ मत बोल, मेले में उन लोगों ने तुझ पर पत्थर फेंका और तुझे हाथ से रोकने की कोशिश किया, am I right? अंतर्यामी, इसे तो सब पता है। इंटेलिजेंट सर। क्या यार, तेरे को सेफ रहना चाहिए ना। ठीक है सर। ठीक है, तेरे में हिम्मत बहुत है लेकिन दिमाग कम है। अच्छा बेवकूफ बना है। हॉस्पिटल में जाकर टीटी का इंजेक्शन ले और 1 दिन का रेस्ट कर ले। अरे रे जाने दे, जब देखो तो बहुत सिंसियर रहता है। ट्रीटमेंट के लिए रख ले। सर पैसे नहीं चाहिए। अरे कोई बात नहीं, रख ले और तू अकेले मत जाना। भास्कर सत्या को घर छोड़ कर आ। सर वो साइकिल शंकर को कवरेज करोगे? मैं डिटेल्स कलेक्ट कर रहा हूं सर, सही एविडेंस नहीं मिल रहा है सर। इन पर केस करके कोर्ट में ले जाकर सजा दिलवा सकते हैं, ऐसा समझते हैं आप? तब तक हम सभी लोग रिटायर हो जाएंगे सर। सिर्फ एक ही रास्ता है, बिना किसी को पता चले इन सब का इनकाउंटर कर दें।
उसे मारने की जिम्मेदारी मेरी है सर। तू नहीं, तेरे जैसा कोई भी पुलिस अफसर आए वो मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। राउडी शंकर को पकड़ने के लिए मुंबई में पुलिस की अलग से टीम बनाई गई है। अब उसका बचना नामुमकिन है। ये हमारे डिपार्टमेंट का अपमान है। 10 साल की उम्र में साइकिल पंक्चर की दुकान पर काम करने वाला आज किस नाम से फेमस है? साइकिल शंकर। मुंबई पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहा है। उस पर 44 केस रजिस्टर हुए हैं। कोई भी केस वो पॉलिटिकल पावर की वजह से बच जाता है, उसका एनकाउंटर ही करना पड़ेगा। वो आसानी से नहीं फंसेगा, पर हम उसे छोड़ेंगे नहीं। उसे मारकर मुंबई पुलिस कौन है दिखाएंगे उसे। शुरू कर दिया। तकलीफ कर रहा है, उसे उठाकर नीचे फेंक दे, अपने आप टूट जाएगा। क्या दादी, तुम्हारी आंखें कमजोर हो गई है क्या? कैसी स्त्री की है? स्त्री की हुई शर्ट पहनकर चोरों को पकड़ने जा रहा है क्या? स्टेशन में ऑफिस बॉय का ही तो काम करने जा रहा है। सठियाने वाली हो, सुबह सुबह बहुत ज्यादा मुंह चल रहा है तुम्हारा। अरे सत्या, तुझे एक बहुत अच्छा पुलिस अफसर बनते हुए तेरे दादाजी देखना चाहते थे, लेकिन उनकी ये इच्छा पूरी होने से पहले ही वो चले गए। जाते वक्त कम से कम तू तो देख कर आ, ऐसी कसम भी मुझसे ले ली थी। दिन गुजरते गुजरते अब मुझे भरोसा ही नहीं रहा। अरे यार, सुबह शाम तुम्हारा यही ड्रामा रहता है, अब इसमें मैं क्या करूं? अरे मैंने तुझसे और क्या चाहा है, अभी तो तू सिर्फ कांस्टेबल बना है, मेरे जाने से पहले ऐसा ही बन जा, इतना ही चाहती हूँ। इसका मतलब तो यही हुआ कि तुम जल्दी मरने वाली नहीं हो। बदतमीजी नहीं छोड़ेगा। गुड मॉर्निंग भास्कर। सुबह सुबह नाश्ता ठूस रहा है? ठूस रहा हूँ। गुप्ता जी, 2 प्लेट अंडा मसाला, 20 इडली, 10 पूरी भाजी, 12 डोसा पार्सल बनाओ जल्दी। क्या वो नहीं ले जा सकते? रोज हमें ही जाना पड़ेगा। भास्कर, हम लोग ये जिंदगी भर थोड़ी करते रहेंगे, और 10-15 साल में तो हेड कांस्टेबल बन ही जाएंगे, तब जो जूनियर कांस्टेबल बनेगा वो हमारे लिए लाएगा, इसी को जिंदगी बोलते हैं। एक हाफ फ्राई तैयार। तू इतना गरम कैसे निकल सकता है? देखिए, जो अंडा है ना, इसको निगलने में अलग मजा आता है, इसे चबा के नहीं खाना चाहिए, सीधा मुंह में डाल के गुरुप से अंदर निगल लो, मजा आ जाता है। तू भी एक निकलेगा? नहीं, मेरा गला छोटा है। अरे निगल ले, मजा आएगा, लाओ मेरा तो। हेलो, बोल भाई। देख कर नहीं चल सकता क्या? अंधा है तू? छोड़ना सत्या, उसका ध्यान नहीं होगा। जब ऊपर वाले ने आंखें दी है तो देखना चाहिए ना, मेरा अंडा गिरा दिया इसने। तेरा अंडा मतलब मुर्गी का है, एक और बना देंगे, उसमें क्या है? ए तू जाना। हर चीज बर्दाश्त है, लेकिन अंडा वेस्ट होना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। मां कसम, पागल ही है। साहब पार्सल। कलेक्शन तगड़ा होना चाहिए। चलो जाओ। ठीक है भाई, चलो शुरू जाओ, निकालो निकालो भाई, हटना निकाल निकाल। अरे हफ्ता निकालना, सामने खड़ी है, कुछ कर नहीं रही है, क्या जमाना आ गया? ये सांड मुझे घूर क्यों रहा है? कब तक खड़ा रहेगा, चाहता क्यों नहीं है? भाई को ना बोलता है तू? याद रखना, जान ले लूंगा तेरी। वो झिंगुर ने अंडा गिराया तो तू गरम हो गया, यहाँ पे ये गुंडे लोग पब्लिक को धो रहे हैं और तू पुतला बन के खड़ा है। समझा कर, समझा कर। चलो डालो, निकलते हैं। इतनी दादागिरी से हफ्ता मांग रहा था कौन वो? वो चंद्रा है, शेयर ऑटो चंद्रा, इस एरिया का बहुत बड़ा गुंडा है,
20 साल से कानून उसी के हिसाब से चलता है। क्या बोलता है, 20 साल से पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया? ऐसों का तो एनकाउंटर करना चाहिए। एनकाउंटर? क्या बोल रहा है, ऐसी गलती हमें कभी नहीं करनी चाहिए भास्कर। गुंडों पर हाथ डाला तो उनके बच्चे बड़े होकर कसम खाकर हमारे खानदान को मिटा देते हैं, मालूम है? अरे तू इतना डरता क्यों है, तुझे तो कुंग फू भी आता है ना। अरे कौन बोला, हाँ थोड़ा बहुत जानता हूँ, कुंग फू कराटे चार को मारने के लिए नहीं सीखा है, चार से बचने के लिए सीखा है। चल काम पर चलते हैं, तू नहीं समझेगा। तुमने सभी को इनविटेशन दे दिया है ना? VIPs आ रहे हैं, कोई भी घुसना नहीं चाहिए। क्या मामा, सुबह सुबह स्टेशन कैसे आना हुआ? पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर काम क्या कर रहा है, और मामा बोलकर मेरे इज्जत का फालूदा भी कर रहा है। वो तेरा मामा था क्या, अकड़ के क्यों गया? असली मामा नहीं है ना, इसलिए इतना अकड़ रहा है। गर्मा गर्म लाया हूँ सर, जल्दी से खा लीजिए। क्या रे सत्य, वो ऑटो चंद्रा मार्केट में आया था, सुनो। सर 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 सर, वो ऑटो वाला गुंडा ना, मैंने तेरे को पूछा। जा ऐसे घूर मत, जाके पानी लेके आया। तू बोल, मैंने नहीं देखा सर, आपको किसने बताया? वो अभी मार्केट में आया, ऐसा फोन आया था, वो हमारा हफ्ता भी नहीं भेज रहा है। अरे उसे छोड़िए ना सर, ये काउंसलर क्यों आया था? उनके बेटे की शादी है भाई ठाकुर हॉल में। तो सिक्योरिटी के लिए पूछ रहे थे, मिनिस्टर्स आने वाले हैं, कल तुम और भास्कर सिक्योरिटी के लिए जाओ। जरूर सर। सत्या? हाँ बुआ जी। आज भी यूनिफॉर्म में? शादी में तो कपड़े बदल कर आ जाता, यूनिफॉर्म पहन ली। हाँ क्या करूँ बुआ, ड्यूटी पहले आती है ना। रहने दे, जब देखो ड्यूटी की बात करता रहता है। मैंने तेरे लिए व्हाइट शर्ट व्हाइट धोती ला कर रखी है, जब बदल ले। आप जाइए बुआ, मैं आता हूँ। जल्दी आना। हाँ बुआ आ रहा हूँ। अरे आइए ना। नाम क्या है? स्नेहा। मीठा नाम है। नंबर? गाँव में पहले कभी तुम्हें देखा नहीं? मैं यही रहती हूँ काशीमीरा में। तुम नीलम की बहन हो क्या? मेरी बहने नहीं है, चार भाई हैं। चार चार भाई? क्या सत्या, नंबर ले लिया ना? ले तो लिया है, लेकिन जमेगा नहीं। तुझे चाहिए तो तू ट्राई कर। सच बोल रहा है क्या, दोस्त होता ऐसा। ले नंबर नोट कर। बहुत सुंदर है। और उसकी चार बहने भी है। यू मीन चार सालियां? क्या हवलदार, कैसा है? मैसेज कर रहा। मुझे सैल्यूट नहीं ठोकेगा? क्यों, तू नेता है क्या? ओ, तो नेता को ही सैल्यूट ठोकेगा, हम भी एक दिन नेता बनेंगे, पता है ना? तो बन जा, फिर सलाम ठोकूंगा, चल निकल। खुश रहो खुश रहो। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। क्या शादी वादी करा रहा है, दूसरा काम नहीं है क्या? क्या सत्या, काम काज कैसे चल रहा है तेरा? आपको पता नहीं है भाई, काम की बात आई तो मैं चौकीदार। क्या मजाक कर रहा है? अरे वो अरविंद आया है क्या? किसे ढूंढ रहे भाई? अरे वही, वो अरविंद जाधव। नेताजी, वो अभी तक आए नहीं। अरे वो नेता हो या बेटा हो, और कितने दिन रहेगा? आइए आइए आइए। आ गए ना? बढ़िया, आइए। हाय सत्या, कौन है ये, खुद के ही जोक पे हंस रहा है? ये एक्स मिनिस्टर है नारायण शिंदे, इस एरिया का सबसे बड़ा आदमी है। मुझे पुलिस की नौकरी इन्होंने दिलवाई थी। हाँ वो तो दिख रहा है। यहाँ पे सब झोल से नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। वो लड़की मुझे देखकर हंसी। भास्कर, सुबह से लड़कियों को ही घूर रहा है, हाथ तो नीचे कर। अरे देख सत्या, वो हंस रही है, देख। नाम क्या है? हाँ? नाम? जेसी। जेसी? ओह, क्रिश्चियन हो गया? क्यों? कोई परेशानी है क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अब बाद में बदल लेंगे ना, वो छोड़ो। अच्छा? तुम नंबर बोलो। नंबर क्यों पूछ रहे हो? ये कैसा सवाल हुआ, खूबसूरत लड़की देखी तो प्यार हो गया, लव एट फर्स्ट साइट। अब तुम नंबर दोगी तभी तो बात आगे बढ़ेगी। तुम अपने
मामा की बेटी से प्यार करते हो ऐसा सुना था मैंने। मामा की बेटी से? मैं? उस फालतू काउंसलर राम सिंह की बेटी राज्यश्री के बारे में बोल रही हो? हाँ वही। अरे क्या यार, वो सेवन स्टैंडर्ड के स्कूल का प्यार था। इनफैक्ट उसे प्यार तो बोल ही नहीं सकते। स्कूल में ना वो हर रोज मक्खी की तरह मुझ पे भिनभिनाती रहती थी, धक्के मारो तो भी नहीं भागती थी, एक नंबर की गले पड़ू थी। अच्छा वो सब छोड़ो, तुम्हें उसके बारे में कैसे पता? लोग बातें कर रहे थे। अरे जिंदगी चार दिन की चांदी बना लो ना, उसे छोड़ो, अपना नंबर दो, रात को मीठी मीठी बातें करके सब साफ कर देंगे। तू यहाँ खड़ी है, मैं तुझे कहाँ कहाँ ढूंढ रही थी, फोटो निकाल रहे, तू भी चलना। चलिए मैं आती हूँ। सत्या तू खाना खा कर जाना। राजेश्री, 7 साल पहले तुम्हारी वजह से ही मेरे पिताजी ने मुझे नासिक पढ़ने भेज दिया। उन 7 सालों में एक दिन भी मैं तुम्हें नहीं भूली हूँ, लेकिन तुम मुझे पूरी तरह भूलकर मुझसे ही मेरा नाम पूछ रहे हो। ऐसी बात नहीं मेरी। इतने सालों के बाद मैं तुमसे मिलने की खुशी में आई थी, लेकिन अरे आरती उतारते वक्त ही मैं तुम्हें पहचान गया था। ये पुपोट जैसी नाक कैसे भूल सकता हूँ मैं। अरे तुम्हारी टांग खींचने के लिए मस्ती कर रहा था। मुझे पहचान नहीं पाए वो भी ठीक है, लेकिन हर लड़की को लाइन मारते हुए उसका फोन नंबर मांगते रहते हो, अपनी शक्ल भी मत दिखाना। राजश्री, राजश्री मेरी बात सुनो, राजश्री, राजश्री, आई लव यू। लफड़ा हो गया यार, फंस गया। कितना खाते ये लोग और भगाते हैं मेरे को। ऐसे भागता रहा तो सूख के काटा हो जाऊंगा मैं। इतना देर क्यों हो गया? रास्ते में नाकाबंदी थी, खाना चेक कर रहे थे। ये लो भाई खाओ, तुम लोग पियो, ठूसो, मेरे को पूछो भी नहीं, कैसे दोस्त लोग रहे तुम लोग, बस मेरे को भगाते रहते खाना लाने के लिए। छोड़, मैं रास्ते में एक टिकाते हुए आ रहा हूँ, टेंशन नहीं। ये तो फटाफट दबा लिया। पीस कहाँ पे? कौन सा पीस? कौन सा पीस पूछ रहा है? इस पीस के लिए मेरे दिमाग का पीस हिलाओ मत। पुलिस वाले अटैक कर रहे हैं, चलो निकलो यहाँ से। चलो चलो निकल, अरे बिरयानी तो ले लो। टीम अलर्ट रहो, बाहर के रास्ते से भाग रहे हैं। जोगेश्वरी में पुलिस और शंकर के बीच में हुई गोलीबारी में पुलिस को चकमा देकर शंकर फिर से भागने में कामयाब हो चुका है। ऐसे में हमें पता चला है कि साइकिल शंकर को पकड़ने के लिए शहर में हर तरफ सख्त नाकाबंदी की गई है। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। भास्कर, एक कहानी सुनो। मैं 10वीं में पढ़ रहा था और वो 6वीं में पढ़ रही थी, और जब मैं फर्स्ट ईयर में गया ना, वो 8वीं में होगी ना? नहीं रे, वो 9th में थी। वो कैसे? प्यार के चक्कर में एक साल फेल हो गया। बोल तो ऐसे रहा है जैसे फर्स्ट आया हो। उसकी क्लास में जाकर बैठ जाता था। एक बार टेंशन में आकर टीचर ने उसके बाप को बुलाया, उन्होंने उस टीचर से भी ज्यादा टेंशन ले ली, उन्होंने राजश्री को उनके चाचा के घर नासिक ट्रांसफर कर दिया। बहुत बुरा टाइम था यार वो। वक्त के साथ मैं भी उसको भूल ही गया। उसको भूल गया क्यों? मेरे फर्स्ट ईयर में हेमा नाम की एक अमीर बाप की लड़की आई थी। क्या दिखती थी यार, ओए होए 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 होए, अलग ही लेवल की खूबसूरती। सुना राजश्री उधर ही सेकेंड ईयर खत्म करके डिप्लोमा कर रही है। मुझे क्या पता था कि वो मेरे ख्यालों में अब भी डूबी है। शादी में उसी को चिकनी चमेली समझकर लाल टपका कर खड़बड़ कर दिया। छोड़ना सत्या, ये नहीं तो कोई और, तुझे बहुत लड़कियां मिलेंगी। नहीं मिलेगी भास्कर, कभी भी नहीं मिलेगी। ये देख क्या चीज है ये, और सिर्फ खूबसूरती के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, फर्स्ट लव इज द बेस्ट लव, उसको कभी भूल नहीं सकते। गुड मॉर्निंग। आज से मैं हूँ आपकी नई
टीचर, मेरा नाम राजश्री है। आप लोग अपने बारे में बताएंगे? वेलकम मिस। थैंक यू। ये क्या है, इसमें तो कुछ नहीं लिखा। ये तो वो पुलिस वाले अंकल से ही पूछना पड़ेगा, उन्होंने ये बुके आपके लिए दिया। ठीक है, तुम जाकर बैठो। तुमने खाली पेपर क्यों भेजा? खाली पेपर, ये किसने बोला? पानी में भिगा कर अच्छे से पढ़कर देखो, सब साफ दिखेगा। क्या? और क्या, स्टूडेंट्स पढ़ लेते तो, इसलिए सीक्रेट। देखो, तुम्हारे और मेरे बीच कोई सीक्रेट नहीं है, मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। अब तुम मुझे परेशान मत करो, मुझे तो सोच कर ही घिन आ। गलती मेरी, मैं मानता हूँ। लेटर में सब कुछ साफ लिखा है, पढ़कर जवाब देना, उसके बाद रास्ते में नहीं आऊंगा तुम्हारे। क्या लिखा है देखते हैं। हेलो, लेटर को पानी में भिगाकर पढ़कर देखा राजश्री? तेरा सिर फोड़ दूंगी, फोन रख। हेलो, वो उसका बापू। हेलो, हेलो, राजश्री है अंकल। अभी अभी स्कूल से आई है। तुम कौन हो बेटी, कहाँ से फोन कर रही हो? मैं नीलम हूँ अंकल, मैं भी उसी के स्कूल में काम करती हूँ। ऐसा है क्या? राजश्री, राजश्री बेटा। हाँ पापा। कोई नीलम फोन पे बात। हेलो हेलो राजश्री, मैं बोल रही हूँ। पानी में भिगो कर पड़ा लेटर। लेटर फट गया। इतना डुबोगी तो लेटर फट ही जाएगा ना। इतना प्यार करती हूँ मुझसे। देखो मुझे अभी बहुत काम है, कल बात करते हैं। अरे फोन मत रखो, फोन मत रखो। सुनो, डरिए मत, छोटी सी इंक्वायरी है। इंक्वायरी? इसका नाम है रमेश। अब जिस स्कूल में टीचर है वहाँ ये थर्ड में पढ़ता है। थोड़े दिनों से इसके कंपास बॉक्स में से पेंसिल रबर गायब हो रहा है। क्लियरली बोलूं तो जब से आपने स्कूल ज्वाइन किया तब से ये सब हो रहा है, तो हमें आप पर शक क्यों नहीं करना चाहिए? व्हाट नॉनसेंस, मैं पेंसिल और रबर चुराकर घर पर ले जाऊंगी। ए, तेरी क्लास में कब आई थी? कल हमारी सब्स्टिट्यूट थी ना। सब्स्टिट्यूट थी तो चोरी करूंगी मैं, मार दूंगी तुझे। मिस राजश्री। सर। यस सर। विक्टिम को डरा क्यों रही हो? सस्पेक्ट से हर एंगल से पूछताछ करना हमारा फर्ज है। अरे कौन से साबुन से नहाती हो, लक से? मिट्टी से। इसलिए इतना चमक रही हो। वाह क्या जोड़ी है। ए छोटे, ये तेरी है? नहीं अंकल। देख कर बोलना। ए, मेरी पेंसिल अलग है, ब्लैक और ब्लू कलर की। ओ, फिर तो बच गए। सर मुझे देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ। झमुरे, इंक्वायरी खत्म होने तक तू जा नहीं सकता, खड़ा रहे। ये कैसी इंक्वायरी है सर, मुझसे देखी नहीं जा रही, मेरा मूड खराब हो गया। चुपचाप खड़ा रहे, वड़ा पाव खिलाऊंगा। अरे ये तो मेरी फोटो है। कौन है ये, तुम्हारा भाई है क्या? दादा। इन्वेस्टिगेशन ओवर। मिस, जल्दी आई लव यू बोल के खत्म करो, नहीं तो रोज कंप्लेंट होगी आपके खिलाफ, परेशान हो जाओगी आप। स-
सारे पेपर्स रख दिए हैं ना, कोर्ट में देना है। अरे बेटी स्कूल से आ गई तू? हाँ पिताजी। अच्छा कोई रोज स्कूल के पास आकर खड़ा रहता है, सही है क्या? कौन? अरे वही सत्या। और कौन? सत्या। ओ माँ के फ्रेंड के बेटे की बात कर रहे हैं? हाँ वही। मैंने नहीं देखा पिताजी। बेटी वो वहाँ तेरे लिए ही आएगा, मैं उसे बुलाकर समझाऊँ क्या? मैं देख लूंगी, आप इन बातों की टेंशन मत लीजिए। अच्छी बात है, जाओ। देखा मेरी बेटी को, सत्या की उसे परवाह नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता, याद था इसीलिए तो मिलने आया। एक खींच के दूंगा, दिमाग सही हो जाएगा। उसी लफंगे की वजह से मैंने उसे घर से दूर रखा था। बचपन में वो फालतू में घूमता था, अब वो पुलिस में है। हाँ पता है कितना बड़ा पुलिस वाला है वो। ऐसा ही होता तो ठीक था, पुलिस स्टेशन में चाय कॉफी लाने का काम करता है वो। कह रही है पुलिस वाला है। दे इधर, बड़ी आई खानदान वाली। जैसे इनकी अंबानी की फैमिली है। शंकर कहाँ है, क्या कर रहा है तू? साफ कर रहा हूँ। 15 साल से रखी हुई दाढ़ी और मूंछ को साफ कर रहा हूँ ताकि किसी की नजर में ना आऊं। मुंबई में पैर नहीं रख पा रहा हूँ, पूरी पुलिस मुझे ढूंढ रही है। अब तो खुश है ना तू? फिक्र मत कर शंकर, बस एक और महीना, कोई इशू बनाकर उस कमिश्नर का ट्रांसफर करा दूंगा। बोल मत कर। लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। अब तक तेरे लिए जो किया वो काफी नहीं है क्या? मेरी बात को ध्यान से सुन। एक्स मिनिस्टर नारायण शिंदे, पता है ना तुम्हें? नमस्ते। हाँ जानता हूँ। मेरी गांव की जायदाद के बारे में पता लग गया है उसे। पूरी डिटेल लेकर सीएम के पास एविडेंस के साथ देने जा रहा है वो। दे दिया ही समझो। सिर्फ मेरी पोजीशन ही खराब नहीं होगी, आगे इलेक्शन में भी खड़ा नहीं हो पाऊंगा मैं। तुझे उसे कैसे भी खत्म करना है। इस वक्त कैसे होगा? तुझसे हो जाएगा। कहाँ है तू इस वक्त? मैं पटना में हूँ। देख तू अकेले ही जा, लोगों को मत ले जा, अकेला ही कर ये काम। किसने मारा किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। तू उसे खत्म कर, कमिश्नर को मैं देख लूंगा। पहले मैं अंडे के भजिए खाता था, वही खा के बॉडी बनाई, अभी नहीं मिलते हैं। यार कुछ भी हो, मुझे तो सिर्फ हाफ फ्राई अंडा ही पसंद आता है। क्यों? उसे आराम से निगल जो सकते हैं। अच्छा। ये पिंकी फैमिली कौन है? कौन हो तुम लोग? किसी को तोड़ फोड़ के आए हो क्या? कांस्टेबल भास्कर से मिलना, उसको बाहर आने को बोलो। मैं पूछता हूँ, भास्कर से क्यों मिलना? हमारी बहन स्नेहा को व्हाट्सएप पर मैसेज पे मैसेज भेजकर आई लव यू कहता है वो। फेसबुक पे रिक्वेस्ट भी भेजा है। कैंडी क्रश खेलने के लिए बुलाया उसे, वो गेम आउटडेटेड हो गया, पता नहीं उसे कैसा बेवकूफ आदमी है वो। छोटी बहन को ऐश्वर्या की तरह हमने अपनी गोद में खिलाकर बड़ा किया है। वो और ऐश्वर्या कैसे कैसे मैसेज भेजता है, कितना घटिया आदमी है। उसे बाहर बुलाओ, उसे पुलिस स्टेशन के दरवाजे भी काट के हम चारों जेल चले जाएंगे। देखो मेडिकल लीव पे गया, 2 महीने बाद आएगा। अचानक मेडिकल लीव क्यों? उसकी सास बहुत सीरियस है। सास मतलब? हाँ मदर इन लॉ। शादी हो गई उसके बाद भी हमारी बहन से खेल रहा है, अब मैं उसे किसी हालत में नहीं छोड़ूंगा। क्यों जंगली कुत्तों की तरह बात कर रहे हैं? हम लोग जंगली हैं। हम चारों भाइयों को ABC भी नहीं आता और हमने अपनी बहन को कॉलेज तक पढ़ाया है। अच्छा मतलब अनपढ़ है। इस बार वो हमारे हाथ से बच गया, अगली बार हमारे हाथ में आएगा तो काट डालेंगे। चलो भाइयों। सोचा 4 सालियां होंगी, ये तो 4 गेंडे निकले। कम ऑन बॉयज, क्या हुआ सर? चाय नीचे रखो, मेरे साथ चलो। सर शेयर ऑटो चंद्रा मार्केट में वसूली कर रहा है, आज उसे पकड़ जाइए। गरम चाय तो पी लीजिए। अरे बाद में पी लेंगे, अभी तू मेरे साथ चल। अरे सर तब तक ठंडी हो जाएगी, मेरा दिमाग गरम हो जाएगा। आपके लिए मेहनत से स्पेशल चाय लाया हूं सर। अरे क्या सर, पी लीजिए। इलायची डाल के सर। ड्राइवर किधर है? सर ड्राइवर को आपने ही बाहर भेजा है। मैं नहीं भेजा था। ओके मैं ही चलाता हूँ। सर 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 वो बहुत खतरनाक आदमी है सर। सर, सर आप क्यों गाड़ी चलाएंगे? ड्राइवर को आने दीजिए ना, आराम से जाते हैं। सत्या यही बोल रहा था ना। भास्कर अरे तब तक चंद्रा चला जाएगा, आज उसे पकड़ना ही है। ठीक है सर, आपने ठानी लिया तो मैं गाड़ी चलाऊंगा सर। चलो सर, क्विक 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 क्विक। कितने तेज चलाता हूँ। धीरे धीरे चलाता हूँ, तभी तो चंद्रा की पिटाई से बच पाएंगे। ये मीटर को क्यों देख रहे हैं? अरे ये क्या सत्य बैलगाड़ी जैसे चला रहा है, थोड़ा फास्ट चला। सॉरी सर, स्पीड लिमिट 40 किलोमीटर सर। तो इसी स्पीड में जाएगा तो वो लोग घर पे जाके सो जाएंगे। सोकर हम लोग ही रूल तोड़ेंगे तो कैसे चलेगा? तू कभी सुनता नहीं है। तू स्टीयरिंग पकड़, एक्सीलरेटर मैं दबाता हूँ। अरे रे जाओ मारो। अरे
हो जा। तू क्यों बीच में आया? ये क्या कर रहा है? क्या मेरी कमर? रुक चल, उठ के खिलाता हूँ। अरे सामने देख रहा? भाई सलगा, मेरा टैग। कितना डिशुम डिशुम करेंगे, रिटर्न ऑफ बेहोश। चलो यहाँ से निकलो, निकलो। और रुक रुक, ये सबका नुकसान कौन भरेगा? रुक, यही तो आकर सब तोड़ा था, इसके पॉकेट में क्या देखते? क्या बात है, डैमेज भी करता है और पैसा भी भरता है। चलो पैसे मिल गए, निकलो यहाँ से। चलो बाहर निकलो। अरे भाग जाएगा वो पकड़ो। देखा देखा, भाग गया, बच गया, वरना कचूमर बना देता। अरे भास्कर क्या हुआ सत्य को? उठा सत्या। अरे जगाओ इसको। अरे उठ सत्या। सत्या गुंडे गए, उठ जा, नाटक बंद कर। कहाँ चले गए? छोड़ूंगा नहीं किसी को, हिम्मत है तो सामने आओ। वो घर पहुंच गए सत्या। भाग गए। सर आप फिक्र मत कीजिए सर, एक ना एक दिन हम उसे पकड़ के ही रहेंगे। क्या भाई सत्या, जीप रुक रही थी ना, उससे पहले तू कांच तोड़कर क्यों कूदा? सर सॉरी सर, नाइंसाफी देखकर मेरा खून खौल उठता है सर। अरे अरे, हाथ से खून आ रहा है। अरे ये भास्कर। हाँ बताए, हॉस्पिटल जाके टीटी लगवाना है ना? आपकी बरोबर होशियार हो गया है तू। लेकिन तू बुद्धू। जाओ जाओ जल्दी जाओ। सर चंद्रा को पकड़े ना पकड़े, तू जरूर पकड़ा जाएगा। हाँ हाँ ठीक है। राजेश क्या बात कर रहा है? आज दर्द के बहाने प्यार का इलाज कर दूंगा। क्या कर रहा है ये भान भान? सिस्टर जल्दी ग्लूकोस लगाओ। नहीं सर, आपको इसकी जरूरत नहीं है। क्या हुआ इन्हें? सुना है मार्केट में कुछ झगड़ा हुआ है। तुमसे ही पूछ रही हूँ क्या हुआ? वो मार्केट में चंद्रा के साथ फाइटिंग हुई। चंद्रा के साथ? राजश्री आ गई तुम। फाइट करने की क्या जरूरत थी? पुलिस वाले की जिंदगी खतरों से भरी होती है। गुंडे को देखते ही मैं जीप से कूद पड़ा। हाँ? पर ये भूल गया कि आगे कांच लगा हुआ है। हाथ में 750 टाके आए हैं। तुम हमेशा ऐसे ही करते हो। घाव बहुत गहरा है क्या सिस्टर? सिस्टर बिना बोले क्यों चली गई? वो 48 घंटे तक कुछ बोल नहीं सकते, इसलिए वो कुछ नहीं बोली। तुम इतनी तकलीफ उठाते हो, लेकिन मेरे पिताजी कैसी कैसी बातें करते हैं पता है? अरे उनको क्या पता, घर पे बैठे रहते। मैं जाता हूँ शहर को बचाने के लिए, खून बहाता हूँ। और तुम्हारे बापू को बोल दो आके देख ले मेरी हालत। इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? हाँ उन्होंने ये सब नहीं कहा। अच्छा नहीं कहा, तो फिर क्या कहा? तुम स्टेशन चाय लेकर जाते हो, नाश्ता लेकर जाते हो, ऐसा बोल रहे थे। अच्छा ठीक है, तुम्हारे लिए पुलिस स्टेशन में चाय लेकर कभी नहीं जाऊंगा। अब तो खुश हो ना? चाय नाश्ता देने के अलावा काम भी क्या करता है ये? तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। देखना एक ना एक दिन ये चंद्रा तो क्या, उससे भी बड़े बड़े गुंडों को अरेस्ट करके शहर के सामने से घसीट कर ले जाओगे तुम, और मैं वो सब देखूंगी और मेरी अर्थी उड़ जाएगी। So sweet. इधर आ। एक मिनट साहब। साफ कर। क्या ऑर्डर है साहब? रम एक क्वार्टर, पानी की बॉटल, साइड डिश में तंदूरी चिकन लेके। जी साहब। ये बता अब तक हमने कितना राउंड मारा है रे? 14 राउंड। चढ़ी है क्या? पूछ रहा हूँ दारू चढ़ी है क्या? अरे नहीं भाई, ये डुप्लीकेट दारू है, इन लोगों ने धोखा दिया है हमें। ए, इनका फोटो लेके फेसबुक पे डालते हैं, शराबी लोगों को पता चलेगा कि यहाँ धोखा दिया जाता है। तुम क्या भाई, देखना खूब लाइक मिलेगा इसको। ए छोटे, एक और फूल ले गया। सब टाइम खत्म हो गया, आप कुछ नहीं है? बोला टाइम हो गया, बुला अपने मालिक को। साहब वो टेबल पर कुछ लोग बम कर रहे हैं, आप जाकर देखो ना। क्या है भाई, क्या है?
झगड़ा करने के लिए यहाँ बैठ कर पी रहे हो क्या? टाइम 10 के ऊपर हो गया है, चलो सब लोग निकलो यहाँ से, कोई भी यहाँ नहीं बैठेगा, चलो निकलो। बैठिए बैठिए सब लोग, बैठ जाइए बैठ जाइए। एक तो दुकान को देर से खोलते हो, जैसे ही हमारा थोड़ा मूड बनता है दुकान बंद करने की कोशिश शुरू। इंडिया आगे बढ़ेगा कैसे? कभी विदेशों में जाकर देखो, नौजवानों के लिए 24 घंटे बार खुले रहते हैं। विदेशियों से कुछ तो सीख लो। ज्यादा चढ़ गई है तुझे, इसलिए परेशान कर रहा है? अरे चढ़ी नहीं है इसीलिए परेशान हो रहा हूँ। इतनी घटिया दारू लगता है कि किसी को नशा ही नहीं होता। दुनिया के गम बुलाने को हम यहाँ आते हैं मगर यह गम और बढ़ जाते हैं। पानी बनकर सब बह जाती है, दिमाग में चढ़ती ही नहीं। ऐसे में अगर घर चले गए तो बीवी को अजीब लगेगा और दोनों में झगड़ा होता रहेगा। आज तो हम नशा चढ़ने पे जाएंगे। ए घर कोई नहीं जाएगा, पूरी चढ़ने तक पिएंगे, सारा खर्चा मेरी तरफ से। अरे दारू लगा, हर टेबल पर खंबा होना चाहिए, उससे कम कुछ नहीं। अरे जा जल्दी जा, क्वार्टर नहीं चलेगा। हेलो पुलिस स्टेशन, ये लेफ्ट राइट। मास्टर दो गर्मा गर्म हाफ रहा है। अरे बार में झगड़ा कर रहे हो? आइए आइए सर, मैं तो खुद आपके पास आने वाला था। MRP रेट से 20-30 रुपए ज्यादा लेना इनका धंधा है। कभी कभी तो ढक्कन खुला ही मिलता है सर। नीचे से ठोको ऊपर से ठोको, गिर 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 करके दारू बहने लगती है। इतनी मेहनत से पीते हैं फिर भी नशा नहीं होता, मुझ पे यकीन नहीं है ना, तो आप खुद पी के देख लीजिए। अरे पीजिए तो सही सर। क्या उजड़े चमन, आधे में ही निकल रहा। शांति से बैठ कर पीने यहाँ आया था, यहाँ तो अशांति फैली है। नो पीस ऑफ माइंड, घर पे चल कर पीता हूँ। जा कुत्तों से बच के जाना। कौन है भाई? पकड़ अंदर कर दूंगा। शरीफ शराबी होने के नाते मैं केस फाइल करना चाहता हूँ सर। तू ज्यादा बात करेगा तो तेरे को बड़े सेल में डाल दूंगा। शरीफ शराबियों की इज्जत ही नहीं है क्या सर? तू क्या वो अंडा बनाने की बात कर रहे हो? ऐसा ही कोई कानून सिखा रहा है? उठो सर, मुझे अंदर डालेंगे। मगर एक बात याद रखिए, मैं एक बहुत बड़ा आदमी हूँ, फेसबुक पर मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। जब चाहूँ आपका ट्रांसफर करवा सकता हूँ। 5-10 रुपए के लिए मुझे परेशान मत करिए, साफ कह रहा हूँ। मेरे फॉलोअर से टकरा नहीं पाएंगे आप, छुट्टी कर देंगे वो आपकी। मेरा हाफ फ्राई अंडा बर्बाद कर दिया और सॉरी भी नहीं बोला मुझे। गुड मॉर्निंग मिस। गुड मॉर्निंग। मैंने सुना कल रात तुमने सबको हिला दिया। अपना स्टाइल ही कुछ ऐसा है, मेरे सामने कुछ गलत होता देख लूं तो मैं चुप नहीं बैठता, समझी? अच्छी बात है, सिर्फ ड्यूटी ही करते रहोगे या शादी भी करोगे? बीवी और बच्चों की ख्वाहिश नहीं है क्या तुम्हें? हाँ इतनी जल्दी क्या है, अभी तो प्यार शुरू हुआ है, थोड़े दिन रुक जाते। तुम्हें तो जल्दी नहीं है लेकिन लड़की वालों को तो होगी ना। सुबह सुबह पिताजी ने सबको बोल दिया है लड़का ढूंढने के लिए। लड़का ढूंढ रहे? किसी को मरना है क्या जो तुम्हें देखने के लिए आएगा? और अगर आ भी गया, ठिचकियो एनकाउंटर करके कुवारा ही मार दूंगा। ठीक है चलो, मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है। ए घंटी बज रही है। टोनी का फोन लगता है, MS टोनी, उठा लेता हूँ। हेलो भाई। हैं? कहाँ हो आप भाई, क्या हो गया आपको, अचानक से मिस्टर इंडिया बन गए? हाँ हम आपको मरने नहीं देंगे। यमराज आएगा ना तो मेरे को देख के डर के भाग जाएगा। आप मुझसे बात करो ना भाई, ऐसे चुप क्यों, कुछ तो बोलो भाई, मुंह खोलो। ओ भाई बहुत इज्जत दी थी, जबरदस्त चलाओ ना नहीं तो अलग में डाल के निकाल लूंगा। हेलो टोनी, कीड़ा हो गया, एक और पाव ले लूं क्या? एक डजन ले ले तू। हाँ
पता नहीं उसने खाया है कि नहीं और ये लोग यहाँ पर ढूस रहे ले। अरे रे 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 रे, अब कौन है? क्या शंकर, तू पहुँच गया क्या? आज शाम को नारायण शिंदे सबको मीटिंग के लिए बुलाया, सुना ना तुमने? मैं बात कर रहा हूँ और इसने काट दिया। ए, ए, बाजू में लगा फोन आ रहा है। हाँ बोलिए ना साहब। अरे शंकर कहाँ है, क्यों फोन उठा नहीं रहा है? वो मेरा फोन उठाया था लेकिन बात नहीं कर रहे थे, हम भी उनको ढूंढ रहे हैं। शंकर को मैंने एक काम सौंपा था तो उसी बारे में बात करनी थी। क्या काम दिया था बताओ ना। तुझे क्यों इतनी पड़ी है? मेरे पेट में बात रहती है, बहुत जगह है। हमारे ऑपोजिशन नारायण शिंदे को टपकाने के लिए कहा था, उसी बारे में पूछना है। आप भी नहीं, ये कौन सा बड़ा सीक्रेट है? नहीं बोलते तो भी मैं उसको स्वर्गवासी करने वाला था। आप टेंशन मत लो, मैं देखूंगा। ए, भाई काशीमीरा की तरफ गए, चल गाड़ी घुमा। यहाँ हर एक मिनट खतरा पड़ रहा है, मैं कौन हूँ इन्हें पता चलने से पहले यहाँ से भाग जाना चाहिए। नाइट राउंड्स पे कौन कौन गया था? मैं और सत्या गए थे। अच्छा, गांधी पार्क, नेहरू पार्क कौन गया था? हम ही गए थे सर। पुलिस स्टेशन में आके भीख कौन मांग रहा है? सर मैं हूँ सर। तू है? क्या बात है। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो सर, आपको जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा। 10,000 रुपए देगा? 10 लाख चाहिए तो भी दूंगा सर। मजाक कर रहा है क्या? चल भाग। सर कसम से बोल रहा हूँ सर, 10 लाख दे दूंगा सर, वो भी कैश में। क्या रे भास्कर, ये 10 लाख रुपया देगा बोल रहा है? मुझे सर को बाहर निकालो, क्या बात है पूछ। मैं देता हूँ सर। हाँ हाँ ठीक है, जल्दी जल्दी। एक मिनट, इसके साथ मैं डील करूंगा। अब ये आ गया। जेब में 10 पैसा नहीं है, ये 10 लाख देगा? भिखारी। ए, मत कर, मेरे बारे में तुझे पता नहीं है। हाँ तो बता ना, बता कौन है? अरे बोलना, सुन रहा हूं मैं। मत कर, पिछला सोचकर बहुत पछताएगा तू। पीछे क्या? हे! अच्छा, हाँ, राउडी जैसा दिखता है, राउडी जैसे बोलता है, तू अपने आप को बहुत बड़ा दादा समझता है नहीं? हाँ? तुझे कहीं देखा तो है लेकिन याद नहीं आ रहा है कहाँ देखा। ये तो बता, क्या खाया था जो इतना लंबा हो गया? मुफ्त की रोटियां तोड़ तोड़ के खुद को सांड की तरह बना लिया है तूने। वैसे काम क्या करता है? तेरी तो शक्ल पे लिखा है कि तू किसी काम का नहीं है। चाय की टपरी पे काम पे लगेगा? ए, पूछ नहीं रहा हूं, बता रहा हूं। बोल, करेगा करेगा, बोलना। आगे दिखाएगा तो निकल के टूटी खेलूंगा यहाँ पे। हाँ याद रखना, अगर मुझसे पंगा लिया ना तो इन सबको तो छोड़ दूंगा लेकिन तुझे ड्रग के केस में अंदर डाल के 10 साल तक सड़ाऊंगा। अबाइल को गिराता है ये सत्य। तेरे से बड़े बड़े पंटर लोग हम यहाँ चुपचाप बैठे हैं, तेरे को इतनी चर्बी क्यों है? बोलिए सर। दुर्गाष्टमी आ रही है ना, घर को साफ करना है। हमारे कोई लड़के फ्री होंगे तो भेज देना यार। लड़के क्यों सर, ये लोग है ना? ये? अरे वो लोग कैदी है, कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। सर आपने कैदी नाम की फिल्म देखी है? हाँ। पता है पुलिस वाले क्या करते हैं? कैदियों को लेकर टॉयलेट साफ करवाते हैं। अब उनका कानून और हमारा कानून सेम ही है ना? हाँ, सही है। अमृता, लोगों को घर पे भेज रहा हूँ, सब काम करवा लिया उनसे। ब्रेकफास्ट दिया नहीं और हमसे इतना काम करवा रहे हैं, कितने निर्दयी हैं ये लोग। ए, सुन। हाँ, बोल। तू थोड़ा कोऑपरेट करेगा तो हम दोनों यहाँ से भाग सकते हैं। तू भाग सकता है, मैं कहाँ जाऊंगा? तू परदेसी है, अपने शहर चला जाएगा, मैं यहीं रहता हूँ। घूमते हुए इनकी नजर पड़ गई तो कूट के चटनी बना देंगे। आइडिया देने चला है। तू मेरे साथ आ जा, तुझे अच्छे से रख लूंगा। क्या ये समझा है जो बीवी बना के रख लेगा? मुझे तेरी नीयत ठीक नहीं लगती, ऐसा आदमी नहीं हूँ मैं, समझा? अच्छा मेरी एक बात मानेगा? हाँ बोल। मन लगाकर घर की सफाई कर ले। सत्या सर ने कहा है कि दोपहर में हमें बिरयानी खिलाएंगे, दिल लगाकर बिरयानी खा, जेल जाकर सो जा, समझा? तुम लोग का मुंह ज्यादा चल रहा है सर, यही मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। आप इसे मारते क्यों नहीं? सर साइकिल शंकर को आप लोग कब तक पकड़ेंगे? साइकिल शंकर को पकड़ने के लिए 12 लोगों की एक टीम बनाई है, जल्द ही वो पकड़ा जाएगा। ए सत्या, एक को पकड़ने के लिए 12 लोगों की टीम बनाई है, इतना बड़ा गुंडा है क्या? अरे बहुत खतरनाक है, बहुत सारे केस है उस पे, इतना खतरनाक कि पुलिस वाले तो उसके नजदीक भी नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? उन्हें जाना चाहिए, एनकाउंटर करके उसे मार दो, कहानी खत्म। ये तो करते नहीं और कहते रहते हम ये मिशन कर रहे हैं, वो मिशन कर रहे हैं। उसे तो छोड़ दिया और हम दो मासूमों को हथकड़ी बांध के यहाँ बिठा रखा है, क्या ये इंसाफ है?
शराब पीने के जुर्म में हमको हथकड़ी पहनाकर जहाँ बिठा रखा है और उस अपराधी को छोड़ रखा है। गलत है ये कहाँ फंस गया हूँ मैं? ए, अभी भी समझा रहा हूँ, मेरे साथ आ जा, अच्छे से ख्याल रखूंगा तेरा। तुझे मटन बिरयानी चाहिए कि नहीं? चुपचाप साफ कर, उसके बाद दोनों भाई बैठ कर खाना खाएंगे, फिर सोच लेंगे क्या करना है। कौन है यार, ऐसे समय भी फोन करते हैं? हेलो हेलो, ए ए ए, तू कहाँ है, क्या कर रहा है, मुझे सब कुछ पता है। ए, अपने आप इज्जत से बाहर आ जा। कहाँ से देख रहा है? बाहर आ जा वरना जहाँ बैठा वहीं आके तेरा एनकाउंटर कर दूंगा, सड़कर बदबू मारेगा तू। अरे बदबू ही तो आ रहा है। हेलो हेलो, ए, काट दिया। ए, ये तो भाई की गाड़ी है, गाड़ी रख। अबे तेरे को लाइसेंस कौन दिया अबे? गाड़ी पे बहुत धूल जमा है, लगता है भाई अंदर बैठ के फूल मार रहे। बड़े बड़े खोज किए लेकिन एक चार्जर के बिना फोन नहीं खोज पाए अब तक, बहुत तकलीफ हो रही है इससे। क्या भाई, गाड़ी बाहर खड़ी लेकिन भाई अंदर नहीं दिख रहे, कार के अंदर देखते। भाई इस गाड़ी में तो नहीं है ना? ऐसे क्या देख रहा है बेटा, देख रहा है गाड़ी में कोई है क्या? यह गाड़ी 3 दिन से यहीं खड़ी है। भाई का फोन नॉट रीचेबल है। क्या? वो एंटीक अपने क्लास का लगता है, उससे पूछते हैं। हाँ लेकिन इंग्लिश में बात करना। एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, व्हाट यू वांट? इफ यू डोंट माइंड, इस आदमी को कहीं देखा है क्या? वॉच द फोटो। यस सर। सर मेरे को नहीं मालूम, मैंने तो ये चोरी की है, बताओ ना इनको यहाँ पर देखा है क्या? आई विल ट्राई। सर के बाल, मूछ, दाढ़ी, ये सब देखकर मुझे तो कोई बहुत बड़ा आदमी लगता है। दाढ़ी मूछ नहीं, तो भाई की लाइफ में कुछ नहीं, ना चेहरे पे खेती ना सर पे खेती। चल रहे? एक्सक्यूज मी सर, योर फोन। ओह थैंक यू, नो मेंशन। तीन दिन पहले ये आदमी यहाँ पर दारू टिकाने आया था, जरूर तेरे को टिप भी नहीं दिया होगा, देखा है क्या? ये इनको देखा है, ये यहाँ आए थे। जब पुलिस यहाँ आई थी तो उस टेबल से इन्होंने ऑर्डर दिया था। क्या, यहाँ पुलिस आई थी? हाँ, उस दिन यहाँ बहुत मारामारी हुई थी, पुलिस कुछ लोगों को उठा कर ले गई। छोटू इधर आ। आ रहा हूँ भाई। ये छोटू क्या बोल के जा रहा है, भाई को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया क्या? ए, अगर भाई को अरेस्ट किया होता तो न्यूज पे आ जाती। कस्टडी में पूछताछ होने तक न्यूज बाहर नहीं आती, भाई जैसा आदमी फंस गया तो लॉकअप में डालकर कभी छोड़ेंगे ही नहीं। तुम लोग अपना फ्रस्ट्रेशन छोड़ो और चलो पुलिस स्टेशन, भाई को देखते हैं। वहाँ जाना खतरनाक है, एक दो बियर यहीं बैठ के पीते और वापस गांव चले जाते हैं। तेरे को भाई की कोई टेंशन नहीं है क्या? अगर हमें भी बंद कर दिया तो? अबे वो मेरा कजिन भाई है। क्या कहा, तुम्हारा कजिन है? पहले बता ही नहीं। वो बिजनेस पॉलिसी की वजह से किसको बताया नहीं, आज बताना पड़ गया। अरे रे 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 रे, कितनी गर्मी है, गवर्नमेंट ऐसा क्यों नहीं करती, या तो ओपन जेल में रखे या हमें एसी लगा कर दे। हाँ सही कह रहा हूँ। और सर क्या हालचाल? भाई राजा पांडे कैसे आना आपके हुआ? पास और क्या काम रहेगा? अच्छा वो गणेश का डीलिंग का क्या हो गया साहब? वो इतनी जल्दी बंद होने वाला केस नहीं है राजा। सर आप चाहो तो जल्दी हो सकता है सर, कल अगर मैं एमएलए बन गया तो आपका काम मैं जल्दी करवा दूंगा ना सर। ये एमएलए बनना इतना आसान समझा है क्या तूने? इसीलिए तो एमएलए से मिलने के लिए मैं मुंबई जा रहा हूँ। किससे? एमएलए देवराज से? अरे नहीं नहीं, वो तो डमी पीस है, मैं तो वहाँ जा रहा हूँ अरविंद जाधव से मिलने। अरविंद जाधव? अरे वो एक अजीब नमूना है, उस पर क्या भरोसा। सर सर सर, मैं मिनिस्टर अरविंद जाधव जी से बात करके आपको एमएलए सीट दिला देता हूँ, इनसे मुझे छोड़ने के लिए बोले ना सर। वैसे मुझे भी एक आईजी पोस्ट दिला दिए, शक्ल देख बड़ा आया। ये कौन है सर? उसका दिमाग ठीक नहीं है, बकवास करता रहता है। ए, किसका दिमाग ठीक नहीं है, मैं पागल हूँ क्या? अंदर रहकर भी आवाज करता है तू? ठोक दूंगा, मेरे को आंखें दिखाता है। सर चलता हूँ, बाद में मिलते हैं। हाँ भाई पहुंच रहा हूँ। चल बैठ। अपना तीर्थ स्थान आ गया, मैं अंदर जाके फालतू की कंप्लेंट करने का नाटक करता हूँ और देखता हूँ भाई है कि नहीं। तुम लोग कुछ ठूसने मत बैठ जाना हराम खोरो। एरिया हमारे लिमिट में नहीं आता, डीसीपी हमको क्यों फोर्स कर रहे हैं? वैसे आप सर, हम क्या कर रहे हैं? चल देखते हैं। सर नमस्ते सर। कौन हो तुम, क्या चाहिए? पर्स चोरी हो गया सर। दूसरा पर्स खरीद ले। सर दूसरा पर्स खरीदने के लिए पैसे पर्स में थे। ये तो भाई चे क्या रे, तेरे को अंदर जाने का नहीं, चेहरा देख के तू पॉकेट मार लग रहा है, चल निकल, कंप्लेंट करने आया झिंगुर। ओए झिंगुर तो तू लंगूर, निकल ना। हाँ जा रहा हूँ। ये केस तो यहीं पे सॉल्व हो गया।
क्या हुआ टोनी? भाई तो अंदर ही हवा खा रहे थे और उनके साथ और चार पांच आड़े टेढ़े लोग भी है। टोटल कितने पुलिस वाले? सब मिलाकर 5-6 पुलिस वाले, लेकिन उनके पास हथियार भी है ना। तो क्या हुआ, हम लोग कम है क्या? हम जाके हमला कर देते हैं। अबे ये गांव है, गांव वालों की सटक गई ना तो पुलिस के साथ मिलकर अपनी भी बैंड बजा देंगे। ऐसे में भाई बाहर नहीं आएंगे, आप उनसे अंदर जाएंगे। झट से जाऊंगा, फट से खाना लेकर आऊंगा। तो जा रहा है। ए, तुम लोग क्या खराटे मार रहे हो? फराटे से अंदर जाके भाई को लाते। आसपास के सर्कल में पुलिस स्टेशन की बहुत इज्जत है, इज्जत को मिट्टी में मत मिलाओ। मेहनत कर रहे हो? हमारी धरती पर बहुत रेत जम गई है, आज हम उसकी धुलाई करेंगे। तुम लोग में इतनी हिम्मत कि हमारे भाई साइकिल शंकर को अंदर डाल दिया। साइकिल शंकर कौन? अब क्या व्हाट्सएप करूं? ए खोल रहे। भाई आपको क्या हो गया है? आंखें लाल क्यों हैं? अगर पुलिस ने कुछ किया तो मुझे बताओ, मैं देखता हूं उन्हें। कहां गया वो? इसको मालूम। वो कहाँ है बोल? पता नहीं सर। भाई मारना है तो मार के खत्म करो ना, मिनिस्टर फोन पे फोन करे जा रहे, चलो ना। कहाँ जाने के लिए बोल रहा है? नागरिनी वाड़ा, असाइनमेंट बाकी है ना। असाइनमेंट गया तेल लेने। अब समझा, इंसाफ के घर में देर है पर अंधेर नहीं। इस पुलिस स्टेशन में एक आदमी है। कौन? सत्या है वो, जिसने मुझे अंदर डाला, वो कांस्टेबल सत्या। जब तक उसे खत्म नहीं कर देता मैं इस गांव से कहीं नहीं जाऊंगा। चल। पॉकेट मार नहीं गैंगस्टर हूं। गर्मा गर्म खाना खाओ। क्या हुआ सर? पुलिस स्टेशन को कबाड़ खाना बनाकर कौन चला गया? शहर ऑटो चंद्रा आया होगा, मेरे सामने आने की हिम्मत नहीं है ना उसकी। बिना सोचे समझे बोलता है। सर मंत्रियों की तरह हाथ जोड़कर क्यों खड़े? जो इधर आया था वो ऑटो चंद्रा नहीं, साइकिल शंकर था। साइकिल शंकर कौन? वो मुंबई का भाई। हाँ भाई। वो यहाँ पर क्यों आया था? अरे वो वही आदमी जिसको तूने अरेस्ट किया था। मैंने कब अरेस्ट किया? तू पागल हो गया क्या बे? अरे वो लंबू गुंडा था ना, मन चाहे तब टॉर्चर करते थे, वो उंतरू फुंतरू नहीं, साइकिल शंकर था। साइकिल शंकर? हाँ सर, वही साइकिल शंकर था। चार पांच लोग आए थे, सबको मार के यहाँ से उसे ले गए। जाते वक्त एक बात बहुत जोर देकर कही, सत्या को मैं छोड़ूंगा नहीं, उसे मार दूंगा। मेरा हाफ फ्राई अंडा बर्बाद कर दिया। एक हाफ फ्राई के लिए तूने उसे इतना फ्राई कर दिया कि अब वो तुझे पहले बॉइल्ड एग बनाएगा और उसके बाद फ्राई करेगा। लेकिन तुझे ड्रग के केस में अंदर डाल के 10 साल तक सड़ाऊंगा। आगे दिखाएगा तो निकाल के रोटी खेलूंगा यहाँ पे। उसकी रोटियाँ तोड़ तोड़ के खुद को सांड की तरह बना लिया है तूने। जब तक उसे खत्म नहीं कर देता मैं इस गाँव से कहीं नहीं जाऊंगा। गुड मॉर्निंग सर, आई एम एसआई पावर फ्रॉम काशीबेरा पुलिस स्टेशन सर। सीधे खड़े रहो। अब कैसे पुलिस वाले हैं आप लोग? साइकिल शंकर को पहचान नहीं सके? कितना बड़ा गुंडा है वो?
सर उसको देखा हुआ लग रहा था लेकिन बिल्कुल याद नहीं आया सर, एक्सट्रीमली सॉरी सर। तुम लोग अरेस्ट करते वक्त नाम पता नहीं पूछते, चार दिन बिना पूछताछ के उसे अंदर रखा। गलती हो गई सर। नमस्ते। कौन है ये लोग? सर बार में झगड़ा कर रहे थे, जेल में डाल दिया। अब यस सर। किसी काम के नहीं हो, सबको बाहर निकालो। लक्ष्मण छोड़ दो। रुके रुके रुके, हम खुद को रिलीज कर लेते हैं, संभाल के पकड़िएगा। साहब आप देखने में बहुत बड़े अफसर लगते हैं, एक छोटी सी बिंदी है, आपका ये पूरा एरिया है ना डुप्लीकेट दारू बिकती है यहाँ, हमारा तो कलेजा जल जाता है सर। इनसे पूछिए ये एक्शन क्यों नहीं लेते, ये एक्शन क्यों नहीं लेते, ये आप अच्छी तरह जानते हैं सर। दबा हो जाओ। धन्यवाद सर। हमारा दर्द चलो बाहर। बोलिए सर। क्या हो रहा है वहाँ? साइकिल शंकर का पता नहीं चला सर। ये स्टेशन तेरे कंट्रोल में आता है ना, साइकिल शंकर को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, देख लेना। मैं देख लूंगा सर, अब से बाद में बात करता हूँ। जिस कांस्टेबल ने साइकिल शंकर को अरेस्ट किया उसका नाम क्या है? हाँ सत्यानाम है सर। कहाँ है वो? कहाँ है पता नहीं सर। सर उसे चक्कर आ रहे थे, बोला तबीयत ठीक नहीं लग रही है, चाय पी कर आता हूँ, बोलकर भाग गया सर, आया ही नहीं है। फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है सर। सर एक और बात, साइकिल शंकर यहाँ से जाते वक्त बोल के गया कि सबसे पहले मैं सत्यमूर्ति को मारने का काम करूंगा, इसीलिए लगता है सत्या कहीं छुप गया है सर। वाकई? नो वाकई सर। बहुत होशियारी तू, ये जैसा बोल रहा है सत्या डर से भागने वाला इंसान नहीं है सर, ढूंढ के मारने वाला है। इनफैक्ट साइकिल शंकर को अरेस्ट करके उसके साथ इतना हार्शली बिहेव किया सत्या ने सर। फिर कहां गया वो? वही तो पता नहीं चल रहा है सर। उस साइकिल शंकर ने पहले एक पुलिस ऑफिसर का खून किया है, अब दूसरा खून इसका करूंगा ऐसा कसम खाया है। देखिए सर, हम साइकिल शंकर को ढूंढे या ना ढूंढे, सबसे पहले सत्या को ढूंढना चाहिए। सर आप पुलिस कमिश्नर होकर साइकिल शंकर को अरेस्ट नहीं कर पाए, पर एक हवलदार ने काम कर दिखाया, आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए हमारे डिपार्टमेंट में कमिश्नर हो या कांस्टेबल सभी पुलिस वाले हैं, और ये बहुत खुशी और गर्व की बात है कि उस साइकिल शंकर को एक कांस्टेबल ने अरेस्ट किया, ऐसी है मुंबई पुलिस। साइकिल शंकर यहाँ क्यों आया है, उसका कोई प्लान है क्या? फिलहाल पता नहीं, अभी इंक्वायरी शुरू है। भाई उस कांस्टेबल की एक पुरानी सेटिंग है, उठा ले क्या? और फिर मैं सेटिंग कर लूंगा। एक लगाऊं क्या? ये कितनी बार फोन करेगा भाई, ऐसे में इसका बीपी हाई हो गया है, आई थिंक ही विल डाई, बात कर लो ना। तुझे क्या हो गया जो तू वहाँ जाकर बैठ गया? वो एक मामूली सा कांस्टेबल, तू उसके साथ जाकर लड़ रहा है। तू सबसे पहले नारायण शिंदे को टपका और फिर आकर मुझसे मिल। पहले मैं जिसे खत्म करने वाला हूँ नारायण शिंदे नहीं, वो है कांस्टेबल सत्या। चार दिन जिस अपमान से गुजरा हूँ वो मैं ही जानता हूँ, कितना मजाक उड़ाया मेरा जानता है क्या? उसके टुकड़े टुकड़े करके कौओं को खिलाऊंगा तो ही मेरे मन को शांति मिलेगी। मैं जिस दिन उस कांस्टेबल सत्या को खत्म करूंगा अगले दिन वो नारायण शिंदे नहीं रहेगा। आप किसको फोन लगा रहे भाई? मेरा आईफोन रे, उस दिन बार में कहीं खो गया। रिंग बज रहा। रिंग तो बजेगा ही। फिर से टोनी का फोन आया। हाँ वो उठाएगा। हेलो, यहाँ से आउटगोइंग है लेकिन इनकमिंग नहीं। दो मैं ट्राई करता हूँ। हेलो सर, हाउ आर यू? हेलो सर, हु आर यू? आपके हाथ में जो फोन है वो मेरे भाई का है। Oh. आवाज से तो आप पढ़े लिखे और क्लास वाले लगते हो। हाँ, सही कहा, अभी तो मैं न्यूज़ी पढ़ रहा था। लगता है इसका स्क्रू ढीला है। सर आपकी जगह कोई दूसरा होता तो सिम कार्ड बदल कर फोन यूज करता, लेकिन आप तो जेंटलमैन है सर, फोन के मालिक को फोन वापस देने के लिए फोन हाथ में लेकर घूम रहे हैं। लोगों को चाहिए तो दूसरा फोन खरीद लो, इस फोन का मालिक मैं ही हूँ। सर ऐसी बातें मत करिए, आपको पता है फोन मेरे भाई का है, आप उसे अपने पास रख के क्या करेंगे? गेम खेलूंगा। गेम खेलेंगे? मेरे दिमाग के साथ मत खेलो। आपको पैसा चाहिए तो बोलो, दे देंगे। कितना दोगे? कितना बोलूं? जितना चाहिए तो बोल। आपका भी नहीं मेरा भी नहीं, 1,500 देता हूँ। चलो समझा है क्या? आईफोन के लिए 1,500 सिर्फ? इसको तो सटकेला समझाए, बहुत शाना है। ठीक है सर, आपको जितना पैसा चाहिए हम दे देंगे। इधर इधर। हेलो, 50,000 दे दूंगा। 50,000? ठीक है 1,00,000। ऐसा था तो मैं गायब कर देता। हेलो, 50 ही बहुत था, 1,00,000 बोल रहा है, पागल लगता है। ठीक है, अभी के अभी नेहरू पार्क के गेट पर आ जाओ। पूरे के पूरे 1,00,000 है कि नहीं गिन कर, ये फोन आपको हैंड ओवर कर दूंगा। ओके ओके, ए मान गया वो। क्या मान गया? 50,000 के फोन का 1,00,000 दे रहे हो? अबे बेवकूफ, उस फोन में ही सारे एविडेंस है। सेफ्टी के बारे में सोच के मैंने मिनिस्टर से बात का वीडियो ऑडियो सब कुछ उसी में रिकॉर्ड करके रखा हुआ है। फंस गए तो सारी जिंदगी मैं और मिनिस्टर बाहर नहीं आएंगे। अच्छा है ना, फिर तो मैं ही डॉन बन जाऊंगा। नहीं वो सब नहीं होने वाला। चल हाँ चलते।
हैं? ये तो टोनी है, हाथ पे लगा तो बिरयानी बना देगा। ए, उसका फोन आ गया। हेलो सर, हाउ आर यू सर? आपके लिए तो आई एम वेटिंग। एक फोन के लिए तुम लोग इतने सारे गुंडों को लेकर आए हो? यू आर मिस्टेकिंग सर, ये सारे इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट हैं। कौन से कॉलेज में सर, इतने बड़े बड़े बाल और इतना फूला हुआ पेट रखकर पढ़ाई करते हैं? कहाँ से देख रहा है ये? मिल जाए तो 1,00,000 ने 1,00,000 दूंगा। सर आपने जितना पैसा बोला था हम लेकर आए हैं, फोन दीजिए पैसा लेकर जाइए। पर हाथ में कोई सूटकेस नहीं है। आप भी ना सर, 1,00,000 के लिए कोई सूटकेस लेकर आता है क्या? डिमोनेटाइजेशन, 2,000 के 50 नोट, मामला सेट। किसको बेवकूफ बना रहे हो? अभी ये फोन मेरा हो गया। शाना कौवा, मैं सुबह 5 बजे मुंबई के लिए निकल रहा हूँ। साइकिल शंकर के बारे में कोई भी खबर मिले तो मुझे अपडेट करो। श्योर सर। कांस्टेबल सत्या के बारे में कुछ पता चला? अभी नहीं सर, पूछताछ कर रहे। सत्या अगर कुछ कर रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई गहरी वजह होगी। तुम ऐसा ही कैसे बन गए? ठीक है, आप लोग निकलो। गुड नाइट। गुड नाइट सर। करोगे तो शूट कर दूंगा। नहीं सर, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मेरे पास कुछ नहीं है सर। कौन हो तुम? सर सर, मैं हूँ सर, कांस्टेबल सत्या। सर शक्ल देखिए सर। कांस्टेबल सत्या हो तुम? हाँ सर। ये क्या बने हुए हो? वो साइकिल शंकर बोला मुझे मार डालेगा इसलिए आपके पास आया सर। आप ही उसे अरेस्ट करके मेरी जान बचा सकते हैं सर। अरे मैंने तो बहुत कुछ सुना है तुम्हारे बारे में कि तुम बहुत हिम्मत वाले हो। अरे उनको कुछ नहीं पता सर, एकदम भोले हैं, किसी पे भी भरोसा कर लेते हैं। मैं एक मामूली कांस्टेबल हूँ सर, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं एक मामूली कांस्टेबल हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ ये पूछ रहा है? जब आतंकवादियों ने पार्लियामेंट को घेर कर अटैक किया था ना, कमलेश कुमार यादव नाम के एक कांस्टेबल ने अपनी जान देकर उन्हें रोका था। अगर वो तुझ जैसा सोचता तो उन आतंकवादियों को रोक पाता, भारत माँ की इज्जत बचा पाता। तू भी उसके जैसा ही है, तेरी ताकत क्या है तुझे पता नहीं। 12 लोगों की टीम भी उसे पकड़ नहीं पाई, लेकिन तूने आसानी से उसे अंदर कर दिया। कैसे? क्योंकि तूने उसे साइकिल शंकर की नजर से नहीं, एक आम आदमी की तरह देखा। यही तेरी खासियत है। ये प्रोजेक्ट मैं तुझे दे रहा हूँ और मैं तुझे पूरा पुलिस सपोर्ट भी दूंगा। इस प्रोजेक्ट का नाम होगा ऑपरेशन साइकिल। उसे किसी भी तरह अरेस्ट कर। जहाँ तेरी पोस्टिंग है मैं तुझे वहीं एसआई के लिए प्रमोट करूंगा, ठीक है? एसआई की पोस्ट? हाँ। अरे बाहर में जा, एसआई की पोस्ट। कांस्टेबल बनने पर तो मुझे पछतावा हो रहा है, ऊपर से एसआई की पोस्ट देंगे मुझे। ऑपरेशन साइकिल के नाम से जोश दिला रहे हैं, सीधा सीधा बोलिए ना, फंसाना चाहते हैं। आपके नीचे एसी डीसी होने के बावजूद तो उसे पकड़ नहीं पाए और एक पीसी को उसको पकड़ने के लिए बोल रहे हैं। मुझे देखकर आपको क्या लग रहा है? क्या क्या लग रहा है क्या, बोलिए ना। एक बार मैंने उसे गलती से पकड़ लिया, एक बार आप भी पकड़ के देखिए ना। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ, मैं छुट्टी पर हूँ, मेडिकल लीव, बीमार हूँ मैं। मेडिकल लीव लिया तो 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दूंगा। तो करिए ना सर, जल्दी कीजिए, डिसमिस कर दीजिए, जो करना करिए, मेरी जान छोड़िए। रुक जा, ए कांस्टेबल, पकड़ो उसे, ये तो भाग रहा है। ए सत्या रुक। हाँ बोलो भाई। उसे कैसे भी पकड़ के यहाँ लाओ और मेरे सामने खड़ा कर। किधर है वो? लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको भी जीएसटी की परेशानी है क्या? हाँ साहब। फिर अपने आप सुलझा लो। चल रहे। हाँ भाई, इकोनॉमिक समझ रहा था। कौन है? मैं सत्या। सत्या, भूख लग रही है, जल्दी खाना दो। तो साइकिल शॉप में पंचर डालता था, उसे देखकर भाग रहा है तू। उसे कब पकड़ना है मुझे मालूम है, तुम दाल डालो। कौन बोल रहा है? तू इस दुनिया के किसी भी कोने में छुप जाए, मैं तुझे ढूंढ कर। अरे इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? आओ बेटी, स्कूल से आ रही है। माँ ये सब क्या हो रहा है? देखा ना तूने, तेरे पापा ने क्या किया, मेरे रिश्तेदारी में तेरी शादी तय करने की बजाय अपने रिश्तेदारी में कर रहे, ये क्या ठीक बात है? अब आप और परेशान मत कीजिए, क्या मैंने आपसे शादी के लिए कहा था? आ रहे हैं। क्या हुआ? माँ और बेटी क्या बातें कर रहे हैं? ये शादी मुझे मंजूर नहीं है। ठीक है, समझ गया, ये लड़का तुझे पसंद नहीं, तेरी माँ जिससे चाहती है उससे करेगी। सोचा था इतने सालों में तू उसे भूल गई होगी, लेकिन मैं गलत था। उसे आज नहीं तो कल वो गुंडे मार ही देंगे।
उससे शादी करा के मैं अपनी बेटी को विधवा होते नहीं देख सकता। देख बेटा राजश्री, मैं तेरे बारे में गलत नहीं सोचूंगा। जा तैयार होकर हॉल में आ जा। आंसू क्यों बहा रही है? शादी थोड़ी ना हो रही है, मंगनी है, बाद में देख लेंगे। लड़की हमें पसंद है, लक्ष्मी है, शादी की तारीख पक्की कर दीजिए। अरे पंडित जी, कोई अच्छा मुहूर्त निकालिए ना। कुंडलियों के हिसाब से अगले महीने की 16 तारीख शुभ होगी। क्यों दामाद जी, आपके लिए चलेगा ना? हाँ, मुझे तो डबल ओके है अंकल। ओम मंगलाया, ओम शिव हरी, शुभ शुभ। मिस, ये पकड़ो, मैं आती हूँ। तुम्हारा बाप तुम्हारी मंगनी करा रहा है, सुना अगले 20 को तुम्हारी शादी भी है, इतनी जल्दी क्या है? मेरे पिताजी की बात छोड़ो, तुम क्या कर रहे हो तुम्हें पता है क्या? पिताजी ने बताया कि तुम उस साइकिल शंकर से डरकर भाग रहे हो, क्या ये सच है? बोलो सत्या। उसकी बात छोड़ो, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। मैं जो पूछ रही हूँ पहले उसका जवाब दो। साइकिल शंकर से तुम डरते हो क्या? ये तुम्हें कौन बोला? तो फिर चलो अभी पुलिस स्टेशन जाते हैं, ड्यूटी ज्वाइन करो। ड्यूटी कब ज्वाइन करनी मुझे पता है, पर अभी नहीं, सही वक्त नहीं है। बेकार की बातें मत करो सत्या, सब तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे हैं। तुम अभी पुलिस स्टेशन चलोगे या नहीं? अभी मैं नहीं आ सकता। क्यों? बताओ ना क्यों? वो क्या है? बताओ सत्या, मैं कुछ पूछ रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अंडरकवर हूँ। व्हाट? अंडरकवर? हाँ, अंडरकवर। टाइम पे आइडिया आ गया। साइकिल शंकर को पकड़ने के लिए भेष बदल कर दर दर घूम रहा हूँ। ये कमिश्नर का प्लान है। उन्होंने कहा था किसी को मत बताना, ये भी कहा था कि तुम्हें भी ना बताऊं, पर प्यार की खातिर सब बोल ही दिया। तुम सच बोल रहे हो? मुझ पर यकीन नहीं है। इस मिशन का नाम है ऑपरेशन साइकिल और टारगेट है साइकिल शंकर। तुम सच बोल रहे हो? सॉरी सत्या, मैंने भी तुम्हें गलत समझ लिया। तुम्हें तो सही समझी। तुम्हें क्या, पूरा गांव मुझे गलत समझता है। लेकिन मुझे पता था बिना वजह तुम ऐसे भागकर नहीं छुपोगे। सत्या मतलब सत्य। लेकिन एक जरूरी बात, आने वाली 20 तारीख के अंदर उस साइकिल शंकर को अरेस्ट करके मेरे पिताजी की शक्ल पे और उस राज पांडे की शक्ल पे कालिख पहुँच देना, और उसी मुहूर्त में तुम मेरे गले में मंगल सूत्र बांधना। ऐसा कर पाओगे ना? हाँ करूँ ना। क्या करूं? साइकिल शंकर नाम के बहुत बड़े राउडी को मुंबई कमिश्नर भी पकड़ नहीं पाए, लेकिन काशीमीरा पुलिस स्टेशन का कांस्टेबल सत्या ने उसे उठाकर लॉकअप में डालकर उसका मुंह तोड़ दिया था। लेकिन सत्या के ना होने का वक्त देखकर शंकर वहां से भाग गया और पुलिस वाले भी हार गए। शंकर को पकड़ने के लिए पुलिस सत्या को ढूंढ रही है। अरे अरे मेरा फोन। मुझे पता था ये फोन तोड़ेगा, इसलिए अपना फोन नहीं दिया। देखा भास्कर, कमिश्नर का काम सत्य को असाइनमेंट दिया साइकिल शंकर को पकड़ने का, और हम ही को सत्य को ढूंढने के लिए कह रहे हैं। अंडरकवर वाली बात राज रखनी थी, पूरे गांव में ढिंडोरा पीट दिया, पागल हो? ऐसी बात नहीं है सत्या, मैंने सिर्फ सौम्या को ही बताया था। उसे बताने से अच्छा टीवी न्यूज वालों को ही बता देती ना। सॉरी सत्या। इडियट। कांस्टेबल सत्या जब भाग भाग कर छुप रहा था तभी मैं समझ गया था कुछ तो गड़बड़ है। सही बोला भाई, मुझे भी ऐसा लगता है कि वो कोई आलतू फालतू पुलिस वाला नहीं, आपके थोपड़े की ज्योग्राफी बिगाड़ दी। वो तो बहुत दबंग पुलिस वाला है। तो फिर वो भाई से डरकर भाग क्यों रहा है? ये सब कमिश्नर का नाटक है। भाई को देखकर वो कांस्टेबल भाग रहा है ऐसा लोगों को बताकर उसके बाद भाई को उठाकर मर्डर करके अच्छी तरह दफना देने का प्लान किया है। क्या हुआ? उसने प्लान किया है या नहीं, लेकिन तू अच्छे से प्लान कर रहा है। पहले स्क्रीन पे लिखता था। देख रहा हूँ मैं कौन क्या प्लान कर रहा है। जब मौत सामने होती है तो लोग ऐसे झटपटाते। आजकल के बाबा तो पब्लिक में बैठ कर दारू पी रहे हैं। क्या जमाना। सत्या, ये लोग तेरे को बाबा समझ रहे हैं, लेकिन सच बोलूं तो ये गेटअप तेरे पे बिल्कुल सूट नहीं कर रहा है। मुझे बेस्ट मेकअप मैन का अवार्ड नहीं चाहिए, वो साइकिल शंकर मुझे पकड़ ना पाए, इसीलिए तो भेष बदल रहा हूँ। नमस्ते भाई। बैठो बैठो बैठो, क्या हाल है? हम लोगों
को भूल गए क्या? ऐसी क्या बात है? नाराज हो गया? ऑस्कर, शेयर ऑटो चंद्रा। आप बार बार। हाँ ठीक है, पर तू अपनी शक्ल यहाँ पे ज्यादा मत दिखाया कर। अरे बैठो बैठो बैठो, सब बैठो, खुश रहो। कोई काम धंधा नहीं है, इधर आके बैठ जाते हैं। ए चलो निकलो निकलो। ए भास्कर अपना फोन दे। किसको लगा रहा है? हेलो। ए फोन साइकिल को दे चल। कौन है रे? आपका कोई चट्टी बड्डी लग रहा है, बोल रहा है साइकिल को फोन दे। बात साइकिल बोला? हेलो। तू इस गांव में क्यों आया, किस लिए आया, ये सब मुझे नहीं पता। समझने की जरूरत भी नहीं है। और सुन ले, ये मेरा गांव है, यहाँ मैं जो बोलता हूँ वही कानून है। बाहर के कुत्ते यहाँ भौंके मुझे पसंद नहीं। कल सुबह तू मुझे इस गांव में दिखना नहीं चाहिए। सुबह होने तक बोरियों में इस तरह बांध कर ले। कौन है तू? चंद्रा, शेयर ऑटो चंद्रा बोल रहा हूँ। अगर तू मर्द है तो मुझे बता अभी कहाँ है तू। मेन रोड पर जिलजिल बार में हूँ। मर्द का बच्चा है तो आ जा यहाँ पे। अभी आता हूँ, जा निकाल गाड़ी। क्या सत्या, चंद्रा की आवाज में बात करके चंद्रा को फंसा दिया? अरे मैं चंद्रा को थोड़ी फंसा रहा हूँ, उस साइकिल शंकर को चंद्रा के चंगुल में फंसा रहा हूँ। वो साइकिल शंकर मुंबई में बड़ा भाई होगा, लेकिन हमारे गांव काशी मीरा में चंद्रा ही सबसे बड़ा भाई है। वो साइकिल शंकर अब देख कैसे भागता है चंद्रा से डर के। तुम लोग दिन भर ऑटो में मेरे साथ कितने भी लटकते रहो, शाम को जब साथ में बैठकर दारू पीते हो ना, इसी में तो एक अपनापन छुपा है। क्या जोक भरा भाई। ए, यहां चंद्रा कौन है? तू कौन है बे? इसका काम आज तमाम लग रहा है। शंकर हूं मैं, साइकिल शंकर हूं। इसमें इतनी चर्बी है कि मेरे भाई को फोन करके धमकी दे रहा है। कौन है वो शेयर ऑटो चंद्रा? भाई की साइकिल भी ऑटो से तेज भागती है। मरवाएगा क्या? क्या मास्टर, तुम क्यों डर रहे हो? तुम इस गांव के बहुत बड़े गुंडे हो मास्टर। हाँ मैं गुंडा हूँ, लेकिन वो कौन है तुम्हें पता नहीं? कोई तो हमारे बारे में गलत बोलकर फंसा दिया है। ये तो हमारे चंद्रा के बारे में पूछ रहे हैं। चंद्रा के बारे में पूछ रहे हैं ना, वो तो अभी टल्ली होकर राइड गया है। अरे जल्दी जाइए नहीं तो भाग जाएगा। अरे बाप रे, चलो चलो जल्दी निकलो यहाँ से। तू कौन है? कौन मैं? मैं तो इस बार का पार्टनर हूँ। बोतल का हिसाब सब बराबर देखना है ना। ए चल बोतल से बराबर रहा। कपड़े देखकर मुझे लगा बार में आइटम डांस करने वाले। चलो 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 सब निकलो यहाँ से। अरे उस तरफ क्या जा रहे, इस तरफ चल। चलो भाई। ए वो गया क्या? वो चला गया। तो फिर खड़े क्यों हो? चलो 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 चलते भागो यहाँ से। तुझे बहुत हंसी आ रही है मुझ पे? अरे तेरे पे नहीं हंस रहा हूँ, वो चंद्रा को बहुत बड़ा गुंडा बोल रहे थे ना, उसको देख के हंस रहा हूँ। नमस्कार चौधरी साहब, मजे में है ना? मेरी बेटी की शादी है। अच्छा। ये उसका कार्ड है, जरूर आइएगा। नमस्कार, कैसे हैं आप? मेरी बेटी की शादी है, जरूर आइएगा। जिसको चाहिए कार्ड दे दे, आखिर में मंगलसूत्र मेरा पोता ही पहनाएगा। चल यहाँ से चलते हैं, बेशरम कहीं का। चलो आओ। अच्छे दिन आने वाले, अच्छे दिन आने वाले। इस घर की महारानी के लिए शुभ कार्य का समय आने वाला है, शुभ कार्य का समय। अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन। I don't know, लगता है मेरी आवाज सुन ली। घर का दरवाजा पश्चिम की दिशा में होने की वजह से लड़की के बाप को सारे शक्ति लग सकती है। शादी को 6 महीने आगे कर दो, लड़का और लड़की खुश रहेंगे, खुश रहेंगे, खुश रहेंगे। अगर शादी जल्दबाजी में कर दी तो लड़का अपाहिज हो जाएगा और कभी चल नहीं पाएगा, कुछ कर नहीं पाएगा। अच्छे दिन आने वाले, अच्छे दिन आने वाले। कुछ दिन के लिए कोई भी फैसला लड़की के बाप की जगह लड़की की माँ को ही लेने दो, तभी घर का भला होगा। नहीं तो काउंसलर की जगह रस्ते के भिखारी बन जाओगे, कोई पूछेगा भी नहीं, कोई पूछेगा भी नहीं। अच्छे दिन आने वाले, अच्छे दिन आने वाले, अच्छे दिन आने वाले। सुनिए जी, ये ऐसे क्यों बोल के जा रहा है? तुमने उसे गौर से देखा? मुझे तो गड़बड़ लग रही है। कोई भी ऐसे भैंस के साथ पहले गांव में नहीं दिखा। अरे कोई पागल है जो पैसे कमाने के लिए ऐसा बक रहा है? तुम उसे सच मान रही हो? लेकिन फिर भी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। हम शादी की तारीख 6 महीने आगे की कर देते हैं। क्या हो गया है तुम्हें? लड़के लड़की की कुंडली मिलाई जा चुकी है, सब कुछ ठीक है, अब तुम्हें उसकी बातों पर वहम हो रहा है? कोई कुछ भी कहे, राजश्री की शादी वहीं होगी। चलो आओ। मेरी एक भी बात मानी है कभी? राजश्री क्या बात है, परफॉर्मेंस बड़ा अच्छा था। अरे तुम्हें पता चल गया? और क्या, खुद को 30 मार खा समझते हो? मेकअप कर लोगे तो कोई पहचानेगा नहीं। सब छोड़ो, बापू ने डर के शादी आगे किया नहीं। हेलो। अरे बाप रे, साइकिल कहाँ जाऊँ? एक्सक्यूज मी डमरू वाले चाचा, आगे कोई होटल है क्या? आगे से सीधा जाकर राइट ले लीजिए। उतारिए आगे ले। यही पकड़ पकड़ पकड़।
मैं सत्या, पहचाना मुझे? अरे पुलिस वाले, ये क्या होलिया बना रखा है? वो मुझे मारने आ रहा है, साइकिल शंकर भगा रहा है। मैं तो देख क्या करूं। अरे कौन? हेलो एक्सक्यूज मी, हेलो, तू वहां जाकर दरवाजा खोलिए, बहुत मजबूत है, मैं तोड़ नहीं पाऊंगा। वाह भाई, क्या हो गया भाई? शीला मुन्नी चमेली सब फेल। क्या चाहिए? चाहिए तो बहुत कुछ, आप देने को तैयार है अपना दिल? मुंह तोड़ दूंगी। सॉरी मैडम, वो डमरू वाला अंदर आया था क्या? बहुत डेंजरस आदमी है, पहले उसे बाहर भेजो, हमें उसका मर्डर करना है। मर्डर ही करना है ना, पहले मेरा शो खत्म होने दे। हाँ, शो के बाद फोन करना। मिनका, ये कौन है कबाब बैठ? मैंने फोन किया था, तूने उठाया नहीं, नाराज हो गया मुझसे? फोन तो मेरा ही लगेगा, तू क्रॉस कनेक्शन मत लगा। मैं तो गया, सब खत्म हो गया, आज वो मुझे छोड़ेंगे नहीं, मरने वाला हूँ। अरे ये क्या, एक पुलिस वाला होकर ऐसे रो रहा है तू? पुलिस वाला हूँ तो कभी रोऊंगा नहीं, ऐसा कोई रूल है क्या? पुलिस वाला भी डरता है। कुछ भी मत बोल। रुक, एक आईडिया आया है। ये सब सही नहीं है, मैं राजेश श्री से प्यार करता हूँ। अरे छी, तू किसी से भी प्यार कर ले, थोड़ी देर चुपचाप रह। अरे ये सब तो कुछ नहीं, जब मेनका आएगी तो धमाल मचा देगी। उधर जाके देख। सर, साइकिल शंकर। अरे बाप रे, हाँ यार। सर, लगता है सत्या को ढूंढ रहा है, लेकिन पहले इसको हम पकड़ लेते ना, हम दोनों का प्रमोशन हो जाएगा, दोनों मिलके दबोच लेते। हेलो सर, मैं यसे पवार बात कर रहा हूँ। सर, 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 इस टाइम पे फोन क्यों किया? साइकिल शंकर पूरे ग्रुप के साथ यहाँ आया है सर, आप पूरा फोर्स लेकर इधर आ जाओ, हम दोनों मुर्गी पकड़ते हैं वैसे उसको दबोच लेंगे। अबे गधे, मैंने तुझे किसे पकड़ने के लिए बोला था और तू किसे पकड़ने गया? साइकिल शंकर इम्पोर्टेंट नहीं है, सत्या इम्पोर्टेंट है, उसे पकड़ कर ले। थैंक यू सर। क्या बोला उन्होंने? वो बंद कर दिए, डांस देखो बोल रहे। ओए मेन का को आने के लिए बोल। क्या कमाल है ना? ये भटकती हुई आत्मा कौन है जो मेनका के साथ नाच रहा है? ये तो हॉरर फिल्म का हीरो लग रहा है बे। भाई भाई, साइकिल चलाओ। चलो निकलो यहाँ से। अरे ये हमें ढूंढ रहा है, चलो चलो उधर यहाँ से निकलो निकलो। उसके जैसा लगा? आपको हर कोई उसके जैसा लगता है, चलो ये तो छोकरी है, चलो भाई। वो हवलदार ने साइकिल की हवा निकाल दी। तुम सब के होते हुए भी वो भाग गया। और ये क्या कर रहे थे, लड़कियों की चेकिंग? बोला भाई टेंशन मत लो, मिल जाएगा। वो देखो। अरे वो नाटक वाली, भाई से एक बार पूछ के देखो ना। हाँ, क्या वो ये नहीं मानेंगे रे? क्या बोला? वो देखो कौन जा रही है, स्टेज पर नाच रही थी भैया वो। वो बात क्या है, बहुत दिनों से सूखा पड़ा है ना, तो क्या बोला भाई? छोकरे लोग की रिक्वेस्ट है, इतनी टेंशन लेके फायदा नहीं, टेंशन को पेंशन देने का और थोड़ा रिलैक्स करने का, अपना सारा स्ट्रेस इसको देने का और माइंड फ्रेश करने का, क्या बोलते हैं? मूड में आ गए लगता है। उठा ले क्या? ए लड़की, एक्सक्यूज मी मैडम। आवाज देके बोला ना, नहीं तो चली जाएगी। अरे वाह वाह वाह, हमसे ज्यादा तवा तो इनका गर्म है। परफॉर्मेंस करके आ जाता, आप लोगों ने गेम खराब कर दिया, भगा आज बसंती की इज्जत नहीं बचेगी। एक गाना ठीक से देख नहीं पाए इनके लिए। ए रुक रुक रुक, साइकिल पे वही लड़की है ना जो वहाँ पे नाच रही थी? बहुत कमाल का साइकिल है वो, उसे पकड़ो, 6 दिन रख के ही भेजेंगे। ए कौन है पीछे से लाइट मार रहा है? साइकिल शंकर हमें फॉलो कर रहा है भाई। अरे ये कहीं भी जाए तो पीछे नहीं छोड़ेगा। गाड़ी लेफ्ट 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 में जगह नहीं है भाई, तो फिर राइट पे से ले। राइट गए तो खंडर में जाएंगे। चलेगा निकल।
कई आइटम पानी में। आधी रात को जान से ज्यादा इज्जत की कदर करके पानी में कूद गई। इसे कहते सच्ची कलाकार। मरने के बाद भी करूंगा तुमसे प्यार। तुम्हारी मन में क्या है वो तो बोलो। कल मेरी शादी है, ये तुम्हारे दिमाग में है या नहीं? कमिश्नर से बात करके तुम इस ऑपरेशन साइकिल से क्विट कर दो प्लीज, हम नॉर्मल लाइफ जी पाएंगे। यार बोला ना मैं उसे पकड़ लूंगा। लेकिन कब? मेरी शादी होने के बाद? उसके बाद उसे पकड़ कर क्या फायदा? बात को समझो राजश्री, जैसे ऑपरेशन रोकने से पेशेंट मर सकता है, वैसे ही ऑपरेशन साइकिल रोकने से मैं फंस जाऊंगा। मैं तभी बच सकता हूँ जब मैं साइकिल शंकर को उठा के लॉकअप में फेंक दूंगा, उसके बाद ही मुझे असली आजादी मिलेगी। ठीक है, पकड़ लूंगा बोल रहे हो। उसे पकड़ने के लिए क्या प्लान बनाया वो तो बोलो। कल तक तो इंतजार करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम क्या करोगे कैसे करोगे मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ भी करके इस शादी को रोक दो, बस उतना काफी है। शादी की तैयारी अच्छे से होनी चाहिए, कुछ भी कम नहीं पड़ना चाहिए। 10 साल के बाद भी लोगों को याद रहना चाहिए कि राजा पांडे की शादी कैसे हुई थी। अच्छा मेरा पेट थोड़ा खराब जैसा लग रहा है, मैं बाथरूम जाके आता हूँ, इनको संभाल। ठीक। तू यहाँ क्या कर रहा है? कान खोल कर सुन ले, मैं और राजश्री बचपन से प्यार करते हैं। प्यार करते हैं कर ले, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन उससे शादी वो मैं ही करूंगा, और उसे प्यार का हक भी सिर्फ मुझे ही है, समझा? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अरे तो मैं भी तो सीरियसली बात कर रहा हूँ। देख भाई, कल जाके मैं नेता बनूंगा, MLA बनूंगा, तो ये सब करना तो बहुत जरूरी है ना भाई। तू एक काम कर, तू राजश्री को भूल जा, मैं तेरी शादी उससे भी अच्छी लड़की से करा के दे दूंगा। आखिरी बार बोल रहा हूँ, तू इस शादी को रोक दे वरना मुझे रोकनी पड़ेगी। क्या कहा, शादी रोकेगा? इतनी पुलिस सिक्योरिटी होने के बावजूद भी तू मेरी शादी रोकेगा? हिम्मत है क्या तेरे में? चल अगर तू सच में मर दे तो ये शादी रोक के दिखा। वो तो तू देखेगा ही। जा बे। सर वो घर पे आके वार्निंग देके गया है, अभी आप पर ही भरोसा है मुझे। तू टेंशन मत लिए, मैं सब कुछ देख लूंगा। आप हमेशा ऐसा ही बोलते हो। अरे हाँ ठीक है, बात करो। सर सुन, सर अभी शादी के हॉल में ही हूँ। सर इस शादी को रोकने के लिए सत्य यहाँ आकर रहेगा। सर आते ही उसको पकड़ के आपके सामने लाकर खड़ा कर दूंगा। सर वैसे अभी बहुत वक्त है जी। महूर्त का वक्त हो गया क्या? हाँ हो गया, आप अंदर जाइए। सर नहीं आपको नहीं, सर आप ऑफिस के अंदर है, मुझे मालूम है। कैसे हो स्नेहा ब्रदर्स, चारों साथ में खड़े हो, शादी में नहीं जाओगे क्या? नहीं दादाजी, बहन के साथ पिछली बार बदतमीजी हुई थी, इसीलिए इसकी रक्षा के लिए इस बार हम साथ में आए। क्या हुआ बेटा, इतना घूर क्यों रही हो? हेलो। मैं सत्या बोल रहा हूँ। तुम मुझे चकमा दे रहा है ना, जिस दिन तुम मेरे हाथ लगा तो। अबे सुन, ये तेरे और मेरे बीच की प्रॉब्लम है, अब तो या तो तू मरेगा या मैं मरूंगा। हिम्मत है तो सामने से वार कर, छोकरियों की तरह पीठ पे क्या वार करता है। नमर्द किसे बोला? मेरे को बोला, कांदा देना। क्या हुआ? सुना है तू चेतना हॉल में हो रही शादी में घुस कर वहाँ के दूल्हे को उठाने वाला है? ऐसा करने की हिम्मत भी की ना तो तेरे हाथ पैर तोड़ के रख दूंगा। शादी का हॉल चेतना कहाँ है रे? ये भाई शादी करने का मूड है? शादी में नहीं जा रहे हैं तो? शादी को रोकने जा रहे हैं, चल। खुद तो शादी नहीं की, दूसरों की भी रोकता है। नमस्ते नमस्ते। हाँ नमस्ते। आइए आइए। और घर में सब ठीक है ना? आइए बैठिए। दूल्हे को कैसे उठाएंगे? ये खाना खाते हुए सोच कर आते थे ना। खाली पेट दिमाग नहीं चलता है। ये छपरी तो आखिर ये घोड़ी चढ़ी गया भाई। आप इसको अपने बचपन के किस्से सुनाओ, तब तक हम दूल्हे को लेकर आते हैं। आ गए असली बार आते। चलो चलकर दूल्हे को ढूंढते हैं। माँ क्या हुआ? इस पे जरा ध्यान रखना, पहरेदारी करना इसकी। हाँ मैं सब देख लूंगी। अगर गलती से भी ये भाग गई ना तो मैं तुम्हें देख लूंगा। तू अब जा।
हाँ तू जाके देखिए कि वहाँ पे अपने लोग है कि ना। हाँ, वाइट शर्ट में जो समझाते हुए आ रहा है ना वही दूल्हा है। चल कुछ गेम खेलते हैं। और सुन सबको फोन करके भी बता दे। हाँ। मेनका आपसे मिलना चाहती है। मेनका? अभी क्यों मिलना है उसे? पता नहीं पांडे जी, सिर्फ एक बार मिलना चाहती है। नहीं नहीं मैं तो नहीं आ सकता, मुझसे नहीं होने वाला। उसे उसी बात का बहुत बुरा लग रहा है, इसलिए वो चाहती है कि आपकी शादी होने से पहले वो आपको एक बार देख ले। चलिए ना। ठीक है मैं उसे खेत में मिल लूंगा। थोड़ी देर में आपकी शादी होने वाली है, खेत वेत में जाएंगे तो मामला बिगड़ सकता है, शादी भी टूट सकती है। हमारे साथ चलिए, हम मिला नहीं। अरे तुम लोग कैसे लोग हो, यहाँ पर आकर मेरी शादी तोड़वाना चाहते हो क्या? बर्बादी। अच्छा पैसे के बारे में कुछ पूछा? अब ये लेन देन की बातें आपको पता होगी, मुझे नहीं पता। जाकर मिलिए, बात कीजिए और आ जाइए। यहाँ कोई देखेगा तो बवाल हो जाएगा। एक काम कर, उसको तुम मेरे रूम में ले ऊपर लाएगा ना। ठीक है। हाँ? ए राजा पांडे। हाँ जी बोलिए। यहाँ टॉयलेट का है? हाँ यहाँ पर पीछे है ना, सीधे जाके राइट चले जाइए। हाँ आराम से आराम से। ए, रूम में भेज दे उसे। रंचिंदे इधर क्या कर रहा है? ए हम भी बाथरूम में जाएंगे, चलो। मुझे नहीं आया, तू जाकर आ जा। बेवे गधे, वो देख कौन जा रहा है। वही नारायण शिंदे, इसे टपकाने के लिए हम लोग मुंबई से यहाँ पर आए हैं। तो आप क्या करें? एक तीर से हम लोग दो शिकार कर सकते हैं। इसको भी उठाते, चल रहे भाई। मैं भाई को लेके आ जाऊं? साइकिल का दिमाग और टायर दोनों पंचर है, इस मैटर को अपनी हैंडल करते हैं और भाई को सरप्राइज देते हैं। चलो रे, चलो चलो जल्दी चलो। हेलो एक्सक्यूज मी, इज मिस्टर नारायण शिंदे ओवर हियर? नारायण शिंदे जेंट्स बाथरूम में नहीं जाता है क्या? लेडीज बाथरूम में जाता है। ओह सॉरी सॉरी, लेडीज टॉयलेट है, मुझे लगा कॉमन है। सॉरी कैरी ऑन। वैसे ये बाल्टी वाला पानी आपके लिए काफी होगा। अरे शादी का खाना, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? बस यूं ही, सही मौका है। सर गुड मॉर्निंग सर। और कैसे हो? अरे पुलिस, यहाँ कैसे आना हुआ? एक सीक्रेट मिशन, एक सीक्रेट मिशन पे आया उसने अपना इन्वेस्टिगेशन। तू लोग क्या कहता है सब? पंडित की तरफ से, मुंह बंद कर। शिंदे तू उधर देखा, वहाँ वो कहीं से भी आ सकता है, हमें बहुत अलर्ट रहना है, उन लोगों के बीच भी हो सकता है वो, समझा क्या? हे सत्य का ही फोन है। अब क्या सत्य, बहुत दिनों के बाद फोन किया। वो छोड़िए सर, आपको कुछ बताना है। गांव के बाहर के ब्रिज पर आपका इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आइए सर। कट कर दिया। किसका फोन था? हमारे सत्य का फोन था यार, उसने मिलने के लिए तुरंत बुलाया है। फिर जाकर मिलिए ना। क्या बिना सोचे समझे बात कर रहा है? मेरे को वहाँ बुलाकर यहाँ लड़की उठाने का प्लान किया होगा तो ये भी सोचना चाहिए ना। सर सत्या ने कभी आपसे झूठ बुलाया क्या? तू सेफ्टी के लिए इधर ही रुक, वो इधर आए तो मेरे को तुरंत बता। ओके सर, बाय। 100 रुपए का गिफ्ट काफी होता है, बस डिब्बा बड़ा दिखना चाहिए। ठीक है चुपचाप चलो। नमस्ते। ऐसा ही साहब, साइकिल शंकर को पकड़ा कि नहीं? तुम जाकर क्यों नहीं पकड़ते? क्यों पकड़ देते हो क्या? पुलिस स्टेशन में आ देता हूँ। क्या अंदर जाकर कुटाई करवानी है? बंद करके चलो। सुनो मैं अभी गया और अभी आया। ओके। दुल्हन तो बहुत सुंदर है, साथ में एक सेल्फी निकालता हूँ। सेल्फी। अरे इधर एक कटआउट है। सेल्फी। उस दिन आपको पुलिस स्टेशन में देखा था, बहुत ब्यूटीफुल है आप। शाम को इंक्वायरी के लिए आ सकता हूँ क्या? भैया ये वही है जो मुझे व्हाट्सएप में परेशान। हाँ, बोलिए ना। तो ये बात कर रहे हैं? हाँ ये वही है। हमें भी बेवकूफ बनाया, इसे छोड़ेंगे नहीं। मारो इसे, मारो इसे, परेशान करता है। ए रुक, इधर गया। उसे छोड़ना नहीं आज। एक कहाँ छुपा बैठा है? ए उस तरफ देखो। उधर 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 होगा, उधर चौथी कुर्सी में बैठा है। उसे चारों तरफ देखो, उसको बोला तोड़ूंगा। ए भाई उधर उधर पकड़ो उसको, जल्दी जल्दी। दुपट्टा निकाला तो भी पता नहीं चला, वापस डाला तो भी पता नहीं चला। फ्री इंटरनेट जिंदाबाद। बाबू स्नेक, बाबू इट्स मी डब मिस। मेरा फोन गुम हो गया था उसकी फिक्र नहीं है मुझे, लेकिन ये फालतू वीडियो देखने पड़ रहे हैं मुझे। स्क्रीन सेवर में भी डाल के रखा हुआ है। चल भाग यहाँ से, भाग। सूट बूट सब बाने बने कर आया हूँ, शादी में खाना खाकर जाऊँ क्या? शादी वादी कुछ नहीं होगी, दूल्हे को उठाने जा रहे हैं, इसमें तुझे खाना चाहिए। चल भाग यहाँ से, निकल। मेहर कभी आई है, बिल्कुल दारू की बोतल जैसी दिखती है। वो अंकल मुड़ मुड़ के तुझे ही देख रहे हैं। अंकल की उम्र 55 की और दिल बचपन का लाइन मार रहा है यार। ये पेट
परेशान कर दिया। भाई ये कहाँ जा रहे हैं? फिर से टॉयलेट जा रहा है, चलो भाई लोग। कहाँ जा करो? बाप की शादी में। बस एक बार मिल जाए। यहाँ क्या कर रहा है तू? घर में पानी नहीं आया, नहाने को आया था। वो भी वर्दी में? ओ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, कंफर्म कर लेते। सर सर, जेंट्स टॉयलेट कहाँ पर है? ये बाजू में। थैंक्स सर। इडियट। चलो। हल्का हो गया। जैसा मैंने बताया था वैसे ही करो। भैया, हमारे एरिया में लाइट की बहुत प्रॉब्लम चल रही है, आपको ठीक करवा के दो ना। अरे ये सब कोई बाथरूम में आकर पूछता है क्या? भैया देखो लाइट आपके पैर पड़ता हूँ, लाइट पकड़ो पकड़ो, उठाओ इसे, चलो जल्दी। अरे उस तरफ नहीं, इस तरफ। बेवकूफ कहीं गए, उस तरफ नहीं, चलो जल्दी। ये तो ए पुलिस पुलिस, बहुत स्मार्ट दिख रहे सर। साहब जी टॉयलेट में जाकर बैठ गए, क्या बात है, वापस नहीं आ रहे? हेलो, मैं साइकिल शंकर बोल रहा हूँ। क्या असेंबली से बोल रहे हो क्या? मैं बाद में फोन करता हूँ। लगता है बीवी के साथ है। क्या भाई, हमारे साहब तो बाथरूम में भी नहीं है। लगता है हमारे साहब बिना देखे ही लेडीज टॉयलेट में चले गए। हो भी सकते हैं, चल देखते हैं जाके। सुनो, नारायण शिंदे दिखे थे क्या? नाम से बाथरूम में नहीं जाने देते हैं। एक जगह है जहाँ चैन मिलता है, वहाँ तक ही पहुँच जाते हैं। क्या नारायण शिंदे लगा रखा है? हाँ सच में अच्छा लगा मुझे। अरे ये तो यहाँ आकर बैठी है। तुम्हें बताया था? हाँ क्या? ऊपर आओ ना रूम में। क्या जा रही है? बात करनी है, ऊपर रूम में आओ ना। क्या बोल रहा है वो? मुझे ऊपर रूम में बुला रहा है, ये कभी नहीं सुधरेगा। मुझे शादी में आने ही नहीं था। लेकिन कर भी जा सकते हैं, काउंसलर ने खुद घर पर आके इनवाइट किया था ना हमें। जल्दी आओ ना रूम में। अरे चल निकलते हैं। ये क्यों जा रही है, कहाँ जा रही है? नमस्ते बेटा। हाँ नमस्ते। ये भी जा रहा है? ओहो ऑटो जोगेश्वरी चलेंगे। हाँ, चल बैठ। तुझे तो मैं तो चलती ना है। अब उसे नहीं छोड़ रहे, चल भाई वो उधर होगा, पक्की बात है उधर। ए कहाँ छुपा बैठा है? ए वो इसके बाहर निकल, अंदर ही है, इसके बाहर निकल। हाँ जल्दी ना, जल्दी जल्दी बाहर निकल। पानी के पास कुमार, पानी देखो और फेंको और लाओ, मैं देखता हूँ। अरे तुम देखो, चल जल्दी। आप अंदर क्या कर रही हो दीदी? क्या है रेट, बार बार जान खाने को यही जगह मिली है क्या? वैसे ही कल रात की मुर्गी पेट में कुकड़ू कू कर रही है और तुम लोगों को मजाक सूझ रहा है। आज तुम लोग मेरे हाथों से बचोगे नहीं। इतना मारूंगी, इतना मारूंगी, कभी लेडी टॉयलेट में रुकने का नहीं। शर्म करने के कहीं भी नहीं। शिंदे कौन है? एक बार मुझे मिल गया ना तो दोबारा अपना नाम नहीं बता पाएगा। अब यहाँ आके दिखाओ तुम लोग। संभाल कर, पार्सल खुल ना जाए। दूल्हे को उठा लिया, निकले अब। अरे उसे छोड़िए भाई, उससे भी कुछ बड़ा उठाया है। वो क्या है? अगर मैं बोलूंगा ना तो आप मुझे प्यार से पप्पी दे देंगे, यू नो सरप्राइज। दूल्हे को उठा कर दिखा, उसने मुझे चैलेंज किया, तूने मजाक समझा है क्या? नो टेंशन भाई, एक मिनट रुको। क्या भाई? क्या बोल रहे हो? दूल्हे को नहीं उठाया, इस बात से परेशान है। ए? अरे मेनका कहाँ पर है? विश्वामित्र आ ही गया। आओ ना, तुम्हारा इंतजार कर रही है, आओ जल्दी आओ। अलर्ट रहना, आ जाओ, गाड़ी में ही है, इसके अंदर। क्या गाड़ी? देखिए ना, जरा ध्यान से देखिए, घर का खाना खाएगा और होटल में जाके भी खाएगा। जजमान, मुहूर्त का समय निकलता जा रहा है, दूल्हे को बुलाइए जल्दी। बाप रे दूल्हा भाग गया, दूल्हा भाग गया। भाग गया? सुना दूल्हा भाग गया?
क्या बकवास कर रहे हो? दूल्हा कैसे गायब हो सकता है? आखिर कहाँ चला गया? वो मेनका के पीछे गया, उसे आधा घंटा हो गया। मेनका के पीछे? क्या कह रहे हो भाई? सच कह रहा हूँ, मैंने अपनी आँखों से देखा है। वो इशारे कर करके मेनका को अपने रूम में बुला रहा था। बेचारी मना कर रही थी फिर भी बुला रहा था। गुस्सा आया तो मेनका वहाँ से चली गई, ये उनके पीछे पीछे चला गया। क्या काउंसलर, लड़की देने से पहले चार जगह पूछताछ नहीं की थी? अब हम क्या करें? कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसे आलतू फालतू लोगों को लड़की देने से पहले सोचना चाहिए था। आपको पता है वो लड़का कैसा है, फिर भी अपनी बेटी की शादी कर रहे थे? आपको उससे प्यार नहीं है क्या? ये गांव के बड़े बुजुर्ग आदमी है, खुद की एक लौती बेटी की शादी करवा रहे हैं और लड़का कैसे इन्हें मालूम नहीं है? वही तो। मुझे माफ कर दो, मुझसे भूल हो गई। मुझसे क्यों माफी मांग रहे हो? जाकर अपनी बेटी से मांगो। तुम कहाँ जा रही हो बेटा? शादी तो रुक गई ना, अब स्कूल जाकर आती हूँ। उसी दिन उस साधु ने बोला था कि शादी को 6 महीने आगे कर दीजिए, लड़की खुश रहेगी। आपने कहाँ सुना? आखिर अब देख लिया ना। अब उसको फोन करता हूँ। आ गया इसका फोन। बोल बे। क्या बोला था रे? तेरे अंकल की शादी में घुसकर दूल्हे को उठा लिया तो तू मुझे बीच रास्ते में खड़ा करके गोली मारेगा। मुझे चुनौती देता है, दूल्हे को उठा भी लिया, शादी भी रोक दी, अब चल गोली चला देखता हूँ। अबे वो तो जरूर तोड़ूंगा, लेकिन उस दूल्हे को एक भी खरोच आई ना तो तेरा क्या हाल करूंगा तू सोच भी नहीं सकता। हेलो हेलो ए सर, चलो मारो इसको। नहीं सर, अरे बस बस को चुप रह। अरे मैं पागल दिख रहा हूँ क्या? पागल क्या, सर्टिफिकेट लेके घूमते हैं? उसने तुम्हें अच्छे से बेवकूफ बनाया है। तुम लोग को अकल नहीं है क्या? अरे किस तरह के गुंडे हो तुम लोग? बोला हमें बेवकूफ बना रहा है? अरे हाँ सर, वो जिसे प्यार करता है उसी से मैं शादी करने वाला हूँ। उसने प्लान करके मुझे यहाँ पर फंसा दिया, मुझे किडनैप करवा के उसने मेरी शादी बर्बाद कर दी। अच्छी, तेरा कैरेक्टर ढीला है। प्यार वो करता है, शादी तू करेगा रंगीला? हैं? लड़की बहुत खूबसूरत है भाई, और उसके बाप के पास बहुत अच्छी खासी जायदाद भी है। तो ऑफर सही है, उसकी कोई बहन बहन है क्या? क्यों? मेरी बात कर सकते हैं? सॉरी सर। अब कहाँ है वो? अब तुम खुश हो ना? कि किसी भी तुम्हारे चेहरे से भी लग रहा है, अब मैं खुश हूँ। रुकिए मैं आती हूँ। हाँ हाँ। ए टोनी। हाँ भाई। तू मुझे कुछ सरप्राइज देने वाला था ना, क्या है वो? अभी नहीं बताऊंगा। इसे उठाएंगे, सत्य को बुलाएंगे, दोनों को खत्म करेंगे, उसके बाद ही मैं इस सरप्राइज को खोलूंगा। एक ही तीर से 3 निशाने। इतना खिलखिला क्यों रही है? सर 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 सर, इससे किसी तरह मेरी शादी करवा दो, आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी हो जाएगी सर। प्लीज सर। अपना गटर बंद कर, चुप। भाई हीरो ने एंट्री मार दी। अरे सर, उसको सत्या लेके भाग रहे हैं सर। अरे सर उसको। सत्या ये सब कौन है? यही तो है साइकिल शंकर। तो अब हम लोगों को क्या करना चाहिए? तुम चुपचाप बैठी रहो। मेरे को इधर आने को बोल के कहाँ चला गया ये? आज मेरे हाथ पे फंसा ना। बाय सर। हाँ? ये लोग भी ना, चल निकल गाड़ी। हैं? भाई पुलिस भी पीछे आ रही है। इनको कैसे पता चला? साइकिल शंकर जा रहा है। अरे हमको साइकिल शंकर को नहीं पकड़ना है, सत्या को पकड़ना है। आगे सत्या जा रहा है और पीछे पुलिस वाले आ रहे हैं, हम लोग का तो बीच में सैंडविच बन गया। अरे अरे टेम्पो टेम्पो। साइकिल शंकर मेरे पीछे पड़ा हुआ है, कुछ करके मुझे बचा ले प्लीज। पीछे राक्षस पड़े, उसके पीछे स्नेहा ब्रदर्स पड़े। हफ्ता पूछा तो दुकान बंद कर देगा। हाँ, बोला था सर। बंद कर ना कर, खोल ना खोल, लेकिन हफ्ता बराबर देना चाहिए, ये पता है ना तुझे? क्या हुआ? अरे गाड़ी बंद हो गया भाई। भाई उतर के धक्का देंगे। गाड़ी को स्टार्ट कर जल्दी। ठीक है भाई, करते हैं। भागू तो कहाँ से? बोला था सर्विसिंग करा ले। मास्टर से गाड़ी तो यहाँ खड़ी है। आपको पता है? ओए एकदम कस के पकड़। ये लोग भी काम बीच में आ गए। ए ऑटो हटा। ओए उससे कोई भी डरना मत, अगर वो साइकिल शंकर है तो मैं शेयर ऑटो चंद्रा हूँ। ए आइंदा दिखे तो ऑटोमेटिक इंजन ऑफ कर दूंगा। ए गाड़ी रोक, गाड़ी रोक, पीछे ले, पीछे ले। ओए फिर से क्या हो गया? ओए फ्रंट गियर में डालो, भागा।
जल्दी चल, ये ऑटो कहीं रुक ना जाए। जल्दी चल, जल्दी चल, जल्दी चल। ये पागल हो गया क्या है? कोई ऐसा गोली चलाता है क्या? और इस गधे को देखो, साइकिल लेकर बीच में क्या कर रहा है? ये जगह हमें नहीं जमेगा रे, चल दूसरी जगह चलते हैं। जल्दी चल यहाँ से। वो कंफ्यूज हो गए, हमने उन्हें कंफ्यूज कर दिया। ए सत्या, प्लीज रुक जा रे, ऐसा मत कर। तेरा तो कार्डियो हो रहा है लेकिन हम लोग का पेट्रोल जा रहा है। चला रहे है भाई। भाई आप भी क्या फुटेज खा रहे हैं? गन है, गोली मार दो, मारो। नहीं नहीं, मैं बैंगन नहीं हूँ, मत काटो। ओ नहीं, ये लोग भाई, ये लोग नारायण शिंदे के आदमी है। नारायण शिंदे को तो हमने कुछ किया भी नहीं, फिर हमें मारना क्यों चाहते हैं ये? अरे भाई यही तो सरप्राइज है, ये जो गोली लेके आए उसमें वही है। ए नारायण, उठ रे, क्लाइमेक्स आ गया। ए बेवकूफ, तू जो सरप्राइज बता रहा था वो यही है क्या? हाँ भाई, ये आपको मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा। जान निकाले बिना छोड़ूंगा नहीं मैं। पहले खुद को बचाने के बारे में सोच। गन का रे, उसको तो मैं खा गया। हम लोग यहाँ पर लटके हुए हैं और गन का बोल रहा है। अबे ओए, हिल मत, हिल मत। बैलेंस बना के रखो। भाग रहा है वो। जाएंगे तो सब एक साथ जाएंगे। हिलना नहीं है, आराम से। हाँ अभी सब सही होगा, मैं कुछ करता हूँ। अरे ये नारायण की वजह से गाड़ी हिल रही है। देखा ना, इसको बोलते हैं भेजेगा इस्तेमाल। चलो नीचे चलकर देखते हैं। अरे बापरे, इस सत्या ने तो हमारी बिना पैसे की नसबंदी करवा दी। अब तो तेरी क्या, हम में से किसी की भी शादी नहीं होगी। ए, ए, गन फेंक दे, चल। देख देख देख, बोल रहा हूँ, तुझे सब ठीक से दिख भी नहीं रहा होगा, दो दो दिख रहे होंगे। मिनिस्टर का फोन। शंकर, नारायण शिंदे शादी के लिए कश्मीर आया है, हो सके तो उसे वही खत्म कर दे। खत्म करके मुझे कॉल कर। नारायण चैन से लेटने दे। अरे आपको बोरी में डाल के रखा हुआ है। सत्या, पता नहीं किस गधे ने मेरे सर पे डंडा मारा। उठिए, उठिए। इसकी याददाश्त नहीं गई, मुझे पकड़ लेगा। साइकिल शंकर को आपने अकेले कैसे अरेस्ट किया? कमिश्नर साहब ने मुझे एक असाइनमेंट दिया था साइकिल शंकर को पकड़ने का, मैंने बस अपना फर्ज निभाया और कुछ नहीं। अरे छोटे रुक, देखो भाई प्रेस वालों, ये इस गांव में किस लिए आया, इसके पीछे कौन कौन है, ये सब कुछ इस आईफोन में है। कानून के हाथों से कोई नहीं बच सकता। 25 साल पहले जंगल में एक वीरप्पन नाम का चोर था, हाथी के दांतों की चोरी करता था। उस खोखार वीरप्पन को कैप्टन प्रभाकर नाम के एक इंस्पेक्टर ने अरेस्ट किया था, सरे बाजार घसीट कर लाया था उसे। उसके बाद हमारे इस बहादुर सत्या ने ऐसा कुछ करके दिखाया है। प्लीज हटिए, जगह दीजिए, प्लीज हटिए, हटिए सामने से। कहाँ हो तुम? सर सत्या का पता चल गया है सर, 24 घंटे में उसको अरेस्ट करके आपके सामने लाकर खड़ा कर देता हूँ सर। और अब 6 महीने तक तू सस्पेंड है।
साइका शंकर के पास से हासिल किए गए आईफोन में मिले सबूत से मिनिस्टर अरविंद यादव को अरेस्ट करके सेंट्रल जेल में रखा गया है और साइका शंकर को अरेस्ट करने में अकेले ही बहादुरी दिखाने वाले कांस्टेबल सत्या को उसी स्टेशन में एसआई की पोस्ट पर प्रमोशन दिया गया है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगल। सत्या फोन बज रहा है। इस वक्त कौन है? भास्कर। ए भास्कर, फोन करने के लिए यही टाइम मिला था क्या? जरूरी काम कर रहा था, डिस्टर्ब कर दिया। तू जो भी काम कर रहा है लगे रहे, लेकिन साइकिल शंकर जेल से भाग गया है, संभाल के। क्या? क्या? हेलो, भाग गया? क्या हुआ सत्या? वो साइकिल शंकर जेल से भाग गया। इसका मतलब दोबारा अंडरकवर में जाने वाले हो तुम। अंडरकवर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब तो अंडरकवर होके भी मेरी अंडरवेयर बच नहीं सकती। राजश्री, बात ये है कि मैं सब समझती हूँ। तुम जिस दिन उसे पकड़ोगे ना, उसी दिन हमारी फर्स्ट नाइट होगी। यही बोलने वाली थी ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आई विल बी वेटिंग। हम आपको बबर शेर समझते थे, मगर आप तो साइकिल शंकर के डर से भीगी बिल्ली बन गए। आप कुछ लेते क्यों नहीं? हम समझते थे कि आप बहुत बड़े गुंडे हैं। सच्चाई बताओ, आप कौन है, राउडी या डमी पीस? बोलिए भाई, बोलिए। जब तुम लोगों को मुझ पर शक हुआ, उसी वक्त सच्चाई बताने का वक्त आ गया है। क्या सच्चाई भाई? मेरा नाम चंद्रा नहीं है, मेरा और एक नाम है, इंद्रा। उस वक्त मेरे पास ऑटो नहीं, ओमनी वैन थी। उसके बाद मैं उस गांव में कैसे रह सकता था, मैं वहां से निकल पड़ा। उसके बाद जिंदगी से मैंने एक सबक सीखा, किसी को भी मामूली समझकर उसे मारना नहीं चाहिए। आपके बारे में हमने कितना गलत सोचा। अरे बिना समझे तो लोग बहुत गलती कर देते हैं, चल जान दे। साइकिल शंकर तो इसके आगे कुछ भी नहीं है, उसको छोड़ो। जिस ऑटो रिक्शा वाले ने आपका ये हाल किया, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं भाई। भाई, ऑटो वालों का एड्रेस तो होगा ना आपके पास? बताइए भाई, आपके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, उसे मार डालेंगे हम। बताइए भाई हमें एड्रेस। तुम लोग? हाँ, हम लोग ही भाई, भाई। उनको? हाँ, इधर आवे। वो सिर्फ तभी डॉन नहीं था, अभी भी बॉम्बे का डॉन है।